जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, थोड़ी देर में और बच्चे ज्वाइन कर लें, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक रजिस्टर, एक रेड पेन, एक ग्रीन पेन अगर आपने नहीं लिया है तो कल से लेके रखें, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पहली बात तो ये है कि जैसे आपको लग रहा है उनको भी लग रहा है, तो इसका क्या है आउटकम, यही है कि दो दिन रुक जाइए, वो खुद से करेंगे, आप मत करिए। किशोर मैम मुझसे बात कर रही हैं, वो खुद से करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। मेरा नाम है संदीप बजाज। थोड़े लोग और ज्वाइन कर लें, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी। आप सब अपने पास एक रजिस्टर, एक रेड पेन, एक ग्रीन पेन और एक ब्लू पेन रखें। सारा काम आप ग्रीन पेन से करेंगे, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उसको रेड पेन से अंडरलाइन करेंगे, कुछ अगर ऐसा होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो कहीं ना कहीं पे उसको ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, या लोशो ग्रिड बनाने में हम ब्लू पेन का यूज करें। आज सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा। आज हम सिर्फ एक दूसरे के बारे में जानेंगे और कोर्स कंटेंट क्या है इसके बारे में जानेंगे, और कल से हमारी मेन क्लास स्टार्ट होगी। यही टाइमिंग रहेगा फ्रॉम 3 to 5 PM। जो भी आपकी क्वेरीज है आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो अभी भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल से जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो जो आपने पढ़ा है सिर्फ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर का जो जो चैप्टर होगा, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। सबसे पहले तो अभी टाइम हो रहा है 3:03, इसको हम कहते हैं एंजल टाइम। तो जब भी एंजल टाइम दिखे आप अपनी आंखें बंद करके विश मांगे, तो इसको प्रोसीजर को फॉलो करें। सबसे पहले आपने अपने हैंड्स रब करने हैं, इसके बाद अपनी आईज पे लगाएं एनर्जी के लिए, और जो भी आपके मन में विश आ रही है वो आप भगवान से थैंक यू बोलें, या उस विश को कम से कम 3 times रिपीट करें। एंजल टाइम एक ऐसा टाइम है जो कि आपके लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स लाता है, चाहे आप हो चाहे मैं हो। ये कहीं ना कहीं पे अगर आपको बाय चांस दिखाई दे जाए, चाहे गाड़ी के नंबर में, चाहे टाइम में, चाहे वॉच में, तो आप उस समय ऊपर वाले को थैंक यू बोल सकते हैं, या अपनी विश को एटलीस्ट 3 times बोल सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है अगर एंजल टाइम आपको दिखे। 1:01, 2:02, 3:03, 4:04, 5:05, 6:06, 7:07, ऐसे ही 1:11, 2:22, 3:33, 4:44, 5:55, 10:10, 11:11, 12:12, तो ये सारे के सारे एंजेलिक टाइम है। अगर ये आपको दिखाई देते हैं तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है ये। और
5 मिनट में जरा लोग ज्वाइन हो जाएं, फिर मैं एक एक करके आपको मौका दूंगा बताने का कि आपको कैसे अपने आप को अनम्यूट करना है। अब देखो आपके सामने एक ऑप्शन होगा हैंड रेस का, आप सब देखो ये मैंने अपना हैंड रेस किया, तो आपने देखो अगर आप मोबाइल से हो तो मोबाइल पे मोर के अंदर ऑप्शन आ रहा है, आप सब लोग जो है अपना हैंड रेस करके देखें एक बारी। बिल्कुल ठीक रंजीता मैम जी, किशोर कुमार जी, नहीं नरेंद्र मैम ऐसे नहीं करना, अपने मोबाइल में देखो, क्योंकि अगर आप ऐसे हैंड रेस करके रहोगे तो थक जाओगे। आपकी मोबाइल में एक ऑप्शन है हैंड रेस का, ध्यान से देखिए आप, अनम्यूट करें नरेंद्र मैम और उस ऑप्शन को देखें। आप अगर मोबाइल से हैं तो मोबाइल के अंदर मोर है। मैं सर बताती हूँ बेटे को ना, जी जी वही करके देगा मेरे को। जी 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 किशोर कुमार जी आप भी चेक करिए, सागर सीकरी जी आप भी हैंड रेस करें, शोभा जी, करण आहूजा जी, थैंक यू सागर, क्योंकि आपको जो भी बेटा मोर के अंदर ऑप्शन होगा। बिल्कुल ठीक बेटा, मम्मी को समझा दे, दादी को समझा दे ये कि जब भी कोई क्वेश्चन करना है तो इनको हैंड रेस करना पड़ेगा। शुभा मैम आप भी करके देखें, अगर आप मोबाइल पे है मैम तो मोर आ रहा होगा, मोर के अंदर ये ऑप्शन होगा, ध्यान से देखिए आप, क्योंकि जी मैम बताइए क्या कह रहे हैं सर। मैं भी सीखना चाहती हूँ जी मैम, आप इसको मोर पे देखिए, आपके मोबाइल में एक ऑप्शन आ रहा है नीचे मोर, उस हाँ। मोर को प्रेस करेंगे तो वहां पे हैंड रेस का ऑप्शन है, उसको आप करके देखिए, क्योंकि आपको जी हाँ बिल्कुल ठीक, कल को आपको मुझसे जो भी क्वेरी करनी है तो आपको ऐसे ही हैंड रेस करना होगा, तो मुझे मालूम चलेगा कि आपने कुछ मुझसे पूछना है। सागर सीकरी जी आप भी करी हैंड रेस कर लीजिए, किरण करण भाई आप भी, डेल लिखा हुआ मैम आपका शुभ नाम क्या है जी मैम, प्लीज अनम्यूट करें। एक मिनट मैम अनम्यूट करें प्लीज। हेलो सर। हेलो मैम। सर हैंड को फिर डाउन करना तो कैसे करना सर? हैंड को मैम डाउन करना है तो मैं डाउन कर दूंगा, मेरे पास उसकी ऑप्शन है, जैसे आप देखिए ये मेरा हैंड है, मैंने अपने ऑप्शन पे करा तो ये लोअर हैंड हो गया मेरा, देखिए मैंने हैंड रेस करना है तो रिएक्शंस में मैं जाऊंगा, ये मेरा हैंड रेस हो गया। आप सिर्फ हैंड रेस करिए, लोअर हैंड मैं अपने आप कर दूंगा मैम। ठीक है जी। हेलो सर, सर मेरा नाम मिसेस रूही कालरा। जी रूही मैम कैसे हैं आप? आपको कुछ आइडिया है तो मैम सेटिंग्स में जाके ही होगा, फिलहाल मैं कर देता हूँ और कल आप इसको कर दीजिएगा। कल मैं कर लूंगी सेटिंग में जाके ना, रूही चावला ना, नहीं रूही कालरा सॉरी RUHI Yes, KALRA जी मैम कर दिया मैंने। थैंक यू सर। वेलकम मैम। सो शोभा मैम मिला आपको अकेले? हाँ सर। सर मैं ही मोबाइल पे हूँ। आप मोबाइल पे हैं तो मोबाइल पे देखिए सबसे नीचे का ऑप्शन आता है राइट हैंड साइड पे मोर। हाँ सर कर लिया मैंने। कर लिया आपने, ठीक है मैम। हाँ सर। थैंक यू। आप सबका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास के अंदर। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास करने वाले हैं, आज हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे कि ये जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है ये कैसे गुरुजी ने हमें आशीर्वाद देके जोड़ा है। आज जिनके पास रजिस्टर रेड पेन ग्रीन पेन नहीं है एक मिनट दोस्तों, वो कल अपना
पूरा इंतजाम करके रखेंगे, रेड पेन ग्रीन पेन। सागर भाई अगर आप भी मोबाइल से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल से ले सकते हैं मीटिंग। आपके पास भी ऑप्शंस आ रही है, मोर मोर में आपके हैंड रेज का ऑप्शन है, वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक सागर भाई, यू गॉट इट परफेक्ट। सो 3:15 पे हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी क्लास जो रहेगी वो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी और इसके बाद आपको समझाया जाएगा कि क्या क्या हमारा सिलेबस रहेगा। कल से हमारी मेन क्लास स्टार्ट होगी जहां पे आपको 23 डेज पूरा पढ़ाया जाएगा। 3 to 5 PM हमारी क्लास होगी प्रॉपर, इसमें बेसिक एडवांस और प्रोफेशनल कराया जाएगा और ये करने के बाद आपको कोई दूसरा कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने आप में ये 1 to Z कंप्लीट कोर्स है। मैं एक मिनट जरा दवाई पी के आया, एक मिनट दो मुझे। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली रख दे बस, ठीक है। शाम को देखेंगे। आपको समझ में आएगा कि पहले हम बेसिक करेंगे, फिर एडवांस, फिर प्रोफेशनल। इसमें आपको हम 3 तरह की न्यूमरोलॉजी सिखाने वाले हैं, लिख लो आप। फर्स्ट विल बी चाइनीज न्यूमरोलॉजी, फर्स्ट विल बी चाइनीज न्यूमरोलॉजी। ये जो चलेगी हमारी 10 टू 12 डेज चलेगी चाइनीज न्यूमरोलॉजी। इसके बाद हम सीखेंगे यूरोपियन न्यूमरोलॉजी और लास्ट में हम सीखेंगे इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम सारे के सारे सॉल्यूशंस देंगे। जो भी रेमेडी पार्ट हमारा होगा वो इंडियन वैदिक में होगा, उसमें हम फेंगशुई रेमेडीज भी करेंगे और इंडियन वैदिक रेमेडीज भी करेंगे। एक एक करके अब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और अपने इस नए परिवार के बारे में जानते हैं। दोस्तों अभी तक पता नहीं आपने कहां से कैसे कैसे कोर्स करे हैं, लेकिन एक बात की मैं गारंटी देता हूं,
जब तक ये क्लास स्टार्टिंग डेट मेरे हाथ में थी कि मैं किस दिन स्टार्ट करूं, एंड डेट मेरे हाथ में नहीं है। वैसे तो कहा गया है कि 23 डेज का हमारा कोर्स होता है, मंडे टू फ्राइडे हमारा कोर्स चलता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि देर इज नो एंड डेट। तो आप ये मत समझिए कि जी किस दिन खत्म होगा, क्योंकि मेरे को बड़े आराम से पढ़ाने का शौक है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। दूसरा, आप जो भी है सारे नोट्स खुद बनाओ। मेरे पास आज भी पिछले 11 साल के नोट्स हैं, 12 साल के नोट्स हैं, जो मैंने अरविंद सूद सर से जब सीखा था, मेरे पास आज भी वो नोट्स हैं। जो भी नोट आप बनाने वाले हो, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने वाले हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी, बट बिलीव मी, मैं आपको अपना 200% देने वाला हूं। 100% वो जो मैं अरविंद सूद सर से सीख के आया था, और 100% वो जो मैंने पिछले 11-12 सालों में अर्जित किया है। मेरे लिए आप सब मेरे बच्चों के समान हो, तो आपको पूरी एक एक चीज मिलने वाली है। और जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं, ये कभी भी डिलीट नहीं होगा। तो इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का मैसेज डालो। इसका पर्पस ही एक है कि हम एक दूसरे को पढ़ाई करवाएं या अपनी क्वेरी के सॉल्यूशंस को ले। तो जरूरी नहीं है कि हमें गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग करके ही अपना भाईचारा बढ़ाना है। आप इस ग्रुप को होल लाइफ यूज कर सकते हो, इसके साथ चीजों को जोड़ सकते हो, समझ सकते हो। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा नरेंद्र कौर मैम से, वो सबसे पहले ही जुड़ी थी मेरे साथ जब ये बैच शुरुआत हुआ था। शी इज फ्रॉम अब्रॉड, आना उन्होंने लाइव था मुझसे पढ़ने के लिए, बट कहीं ना कहीं पे गुरुजी ने कहा कि तू ऑनलाइन ही पढ़ ले। तो ये भी इनकी बहुत मेहनत है कि ये ऑनलाइन सीख रही हैं इस कोर्स को। मैम अनम्यूट करें। जय गुरुजी नरेंद्र मैम, जय गुरुजी। और सर पहले बताओ आपकी हेल्थ कैसे है? मच बेटर मैम, वही बस गला थोड़ा ना वही दिक्कत दे रहा है कि मौसम चेंज हो रहा है ना, उस वजह से बुखार भी आया हुआ था, बट अब मच बेटर। ठीक है सर, बस सीखना है सर अब आपसे। देखो अब इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, और इच्छा भी जरूर है, अभी सीखना भी जरूर है। बिल्कुल मैम, देखो इसलिए हम रिकॉर्डिंग देते हैं कि अगर आपकी जील है सीखने की, तो ये हर घर में आनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी, जैसे LSE का एजेंट हर घर में होता है, ऐसे ही हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए। हाँ जी सर, सर गुरुजी अच्छा मिलना भी जरूरी है ना। जी जी, जो सिखाए है ना जी, गुरुजी अच्छा मिलेगा तभी सीख पाएंगे। अरविंद सूद का देखते थे हम वीडियो, तो उनसे काफी नॉलेज भी मिला था, पर इतनी अधूरी नॉलेज भी वो काम खराब करती है ज्यादा। जी हाँ, तो इसलिए मैं क्या अभी सर से एक बार सीखते हैं, देखो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने। मेन बात ये कि आपकी सीखने का जज्बा होना चाहिए। हाँ जी ना सर, सीखने का जज्बा तो आया है आपकी वीडियो देख देख के, पहले नहीं था। जी जी जी, ना ही कोई इतनी सर बात करने का है भी, किसी से इतनी बात कर सके या कुछ, नो आइडिया, आप ही प्रोफेशनल बनाओगे हमें। बिल्कुल, देखो मैं तो सिर्फ एक भाई की तरह चाबी दे दूंगा, चलाओ आपने। ठीक है सर जी, आपकी ब्लेसिंग चाहिए बस। सबसे बड़ी बात ये नरेंद्र मैम की, देखो अगर आप में सीखने की जील है, सोच लिया है, तो ऊपर वाला भी अपना आशीर्वाद देगा, क्योंकि ये बहुत आसान साइंस है, कोई मुश्किल साइंस नहीं है। इसमें कोई रॉकेट नहीं उड़ाना कि हमें चांद पे रॉकेट लेके जाना है, बस बातें करनी आनी चाहिए और चीज को समझ में आना चाहिए। वो समझाऊंगा मैं, ये बस आप। ठीक है सर, ठीक है। बेटी ने भी सर सीखना है अब्रॉड में, उसको बस टाइम नहीं मिल रहा अभी। कोई नहीं, बिटिया के लिए रिकॉर्डिंग भेज देंगे, तो आप बिटिया को रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा, वो बिटिया रिकॉर्डिंग से भी सीख लेगी, उसके बाद उनका तो ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है सर, वैसे मैं सैटरडे या संडे को आऊंगी आपके पास।
आ जाओ मैम, फोन कर लेना, क्योंकि मैं शायद सैटरडे किसी का वास्तु करना है, जाना है दिल्ली, तो मैं जाऊंगा। अच्छा। पर फोन कर लेना मुझे। ठीक है सर, ठीक है। ओके मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सोनाली मैम, जय गुरु जी, कहाँ से हैं आप और क्यों लगा ये सीखना है, थोड़ा बताइए सब बच्चों को। अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट करें प्लीज। नमस्ते सर। जय गुरु जी मैम। सर सोनाली, विकास गांगण मेरा नाम है, मैं मुंबई से हूँ। ओके जी। और मैंने न्यूमरोलॉजी यहाँ से ही सीखा है, हमारे महाराष्ट्र महाराष्ट्र में बड़ी एक मैडम है मानसी काले, उनसे सीखा है। मानसी काले मैम है जी। उनसे मैंने सीखा है न्यूमरोलॉजी, प्लस मैंने क्रिस्टल थेरेपी भी किया है। और मैंने टैरो रीडिंग भी मैं करती हूँ एज अ प्रोफेशन आई एम डूइंग। फिर भी ना न्यूमरोलॉजी अंदर से मेरा था कि मैं कंप्लीट, मुझे नॉलेज मतलब ऐसा लगता है ना अधूरापन कुछ, तो अरविंद सूद सर के वीडियो देख के मुझे इंटरेस्ट आ गया। लेकिन मैंने सीखा मानसी काले मैडम से, लेकिन मुझे एक अधूरापन लग रहा था कि न्यूमरोलॉजी और सीखने, मुझे ठीक से मतलब दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, लेकिन फिर भी एक लगता है ना अंदर से, नहीं अभी मुझे कुछ तो सीखना है, मेरा कुछ तो बाकी है। तो आपके एक स्टूडेंट है नासिक से है, वो संगीता गायकवाड़ जी। हाँ, तो वो और मानसी, हम दोनों ने एक साथ किया था मानसी मैडम के पास कोर्स, तो उससे मेरी बातचीत हो गई कि मुझे ना न्यूमरोलॉजी और सीखना है, तो उसने ही मुझे आपका नाम सजेस्ट किया। और फिर बाद में अभी 8 दिन से ही मैं आपके वेबिनार्स और ये सब देख रही हूँ। रियली सर आई एम ब्लेस्ड एंड थैंक्स टू गॉड कि आप जैसे टीचर मिले, आई एम रियली आपका आशीर्वाद चाहिए। और मुझे कम, मुझे मालूम है कि मेरी न्यूमरोलॉजी की जो तड़प थी ना, मतलब कुछ अधूरापन, मुझे यहाँ पे कम्प्लीट होगा ऐसा मुझे अंदर से लग रहा है आपके वीडियोज देख के। एक्चुअली थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। देखो सबसे पहले तो गुरु जी का थैंक यू, क्योंकि उन्होंने आपको और मुझे मिलाया। थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी। एंड थैंक्स टू अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या ये कहीं ना कहीं पे मुझे सिखाई, क्योंकि ये अपने आप में यूनिक साइंस है। मैं तो कहता हूँ कि हर घर के अंदर, हर स्टेट के अंदर, हर सिटी के अंदर इसके स्कूल्स होने चाहिए, क्योंकि जब आप इसको सीखोगे ना और आप जब इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको रेडी लगेगा कि अब तक हम इस विद्या से क्यों वंचित थे। हमें हमारी लाइफ का पर्पस ही नहीं पता है कि हम लाइफ में करने क्या आए हैं। जी मैम। और अभी मैंने अपने सूर्या मैडम से जस्ट लास्ट वीक की मैंने मेडिकल न्यूमरोलॉजी सीखा है। रियली मतलब कुछ अलग ही है, मतलब पहले तो लगा था क्या, लेकिन मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी समझा मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या टर्म है, क्यों सीखना जरूरी है जी। कि एटलीस्ट हम लोग प्रिकॉशन लेके आपके रेमेडीज करके अपने कर्म ये कम तो कर सकते हैं जो ट्रबल हमें आने वाली है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे अच्छे कोर्स। वेलकम मैम। कोशिश यही है मैम, हमारा जो प्लेटफॉर्म है अंकों का खेल, इसका यही पर्पज है कि जो जो साइंस कहीं ना कहीं पे बहुत छुपी पड़ी है या रिच लोगों के पास है, उसको हम नोन लोगों के पास लेके आए। क्योंकि देखो हर एक की लाइफ में ये छोटी छोटी रेमेडीज करके बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती है। अगर आपने कल का वेबिनार देखा हो प्रवीण सोनी सर का, तो उन्होंने आज के लिए बहुत बढ़िया रेमेडीज बताई हैं शंकर भगवान के लिए। कोई बात नहीं, यूट्यूब के ऊपर है, क्योंकि सर लेडीज लोग का, हम लोग का वो काम का टाइम रहता है, लंच खान डिनर का टाइम रहता है, तो सॉरी नहीं देख पाई, लेकिन सुबह थोड़ा सा देखा। सॉरी कोई सॉरी वाली बात नहीं है, यूट्यूब पे है, आप उसको जब मर्जी देख लीजिए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। रंजीता मैम, जय गुरु जी, अनम्यूट करें मैम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। सर हमें तो गुरु जी ने ही मिलवाया आपसे, क्योंकि गुरु जी हमारे घर आए, उन्होंने एक इंट्यूशन पावर से कहा जी कि आपका देखो यूट्यूब पे वेबिनार, और वहां पे गुरु जी दिख गए, तो उन्होंने रास्ता बना दिया। क्या बात है, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना मैम। लख लख आप गुरु जी से कब से जुड़े हुए हैं? सर गुरु जी से जुड़े हुए तो अभी 7-8 महीने ही हुए, पर गुरु जी ने हर चीज बहुत स्पीड से करवा दी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ऐसे लग नहीं रहा कि सिर्फ 7-8 महीने हुए, ऐसे लग रहा है कि भाई थे, कहीं गुम गए थे, मिल गए अब दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा क्या करते हैं आप रंजीता मैम? सर मैं प्रोफेशनली टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, चक्रा रेकी कलर थेरेपी सारा कुछ है। पर आपकी जो सर वीडियोस में और आपकी जो सिखाने में स्पार्क है ना, वो हमें खींच के ला रहा है आपके पास। एक्चुअली में जैसे कह
कहना शायद बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जैसे गुरुजी में स्पार्क है, हम गुरुजी के पास खींचे चले आते, वो स्पार्क आप में भी आ रहा है सर, तो वो चीज गुरुजी दे रहे हैं आपको, तो हम लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और हम आ रहे हैं, और वो सही दिशा है सर सबके लिए। ठीक बात है। देखो कहीं ना कहीं पे ये साइंस इतनी यूनिक है, जब भी बच्चा पैदा होता है डेट ऑफ बर्थ तो उसको मिलनी है, और गुरु जी ने खुद अपने लाइफ में पता नहीं कितने लोगों के नेम के स्पेलिंग चेंज किए थे, वो तो खैर अलग विद्या के बहुत बड़े माहिर थे, बट हम कहीं ना कहीं पे यहाँ डेट ऑफ बर्थ को बेस बना के ऐसी ब्लेसिंग्स लेंगे कि जिसके नेम के स्पेलिंग बैलेंस नहीं है हम उससे उनको ब्लेसिंग्स दिलवाएंगे। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि आपको और मुझे जो भी डेट ऑफ बर्थ मिली है वो यूनिक है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन नेम हमारे पेरेंट्स ने जो उनको बेस्ट लगा या जो उस समय पंडित जी ने बताया उन्होंने उसके ऊपर कर लिया, बट क्या वो रियली न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सपोर्टिव था। अब देखो सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन की डेट ऑफ बर्थ है 5th February 1976, और उसके नेम के स्पेलिंग जो है वो चार नंबर पे आते थे, 49। बेचारा बहुत मेहनती, कहीं ना कहीं पे क्या था कि उसके पापा के साथ उसका ऑरा मैच किया जाता था, अरे वो तो ये है वो तो ये है और आप क्या हो, तो कहीं ना कहीं पे उसके पापा ने अच्छे अच्छे पंडितों को दिखाया, सब कुछ करा, लेकिन देखो अब फिलहाल 4 या 6 महीने पहले उन्होंने अपने बेटे का नाम चेंज किया, अभिषेक ए बच्चन, और अब उसके नाम के स्पेलिंग 50 पे आते। तो इतना बड़ा ज्ञानी आदमी, लाइफ में उन्होंने इतना कुछ करा है, कहीं ना कहीं पे उनको भी समझ में आया कि ये जो साइंस है ये यूनिक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखोगे जितने भी एजुकेटेड पीपल आपको मिलेंगे वो कहीं ना कहीं पे इस साइंस से सबसे ज्यादा जुड़ाव रखते होंगे। मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, कार नंबर न्यूमरोलॉजी, घर का नंबर न्यूमरोलॉजी, कलर थेरेपी न्यूमरोलॉजी, कहीं ना कहीं पे आप किसी आया देखो हम जीपीएस के थ्रू जाते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड, सारा का सारा नंबरों का खेल है और कुछ भी नहीं है। सो सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर हमारे साथ ही जुड़ जाते हैं, और हिंदू धर्म में तो जब हमारा एंड होता है तो वहां पे एक प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म को भी नंबर दिया गया है कि जी फला फला प्लेटफॉर्म पे इस बॉडी का एंड हुआ था और उसका ये टोकन नंबर है। तो आप होल लाइफ में देखोगे चाहे रोल नंबर हो, चाहे आधार कार्ड है, चाहे पैन कार्ड है, चाहे पासपोर्ट है, हम नंबरों को अपने से अलग कर ही नहीं सकते। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कौन से नंबर हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे, यही चीज को हमें समझना है इस कोर्स के अंदर। जी रजिता मैम। सर जैसे मैंने वो सॉफ्टवेयर लिया था अंकों का खेल आपका, तो सर क्या कहते हैं उसमें वो चल नहीं रहा, तो मुझे बताइए कि मैं आपने केशवानी सर से मंगवाया ना? हाँ राहुल जी से सारा कुछ मतलब आपने, आपने न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर लिया है या आपने मोबाइल? दोनों बात नहीं। राहुल भाई जय गुरु जी। राहुल जी मैं आपको अभी नंबर दे दूंगा, आप मुझे जी 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 राहुल जी का है सर। हाँ कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार मुझे भी व्हाट्सएप कर देना, एक तो आप फोन करेंगे गौरव जी को, वो आपको आपका दूसरा जो सॉफ्टवेयर है मोबाइल न्यूमरोलॉजी वाला वो स्टार्ट करवा देंगे, और इधर आपको पार्थ केशवानी जी को फोन करना पड़ेगा, वो आपका सिर्फ बस वो पेन ड्राइव इंसर्ट करना है और कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं, सर, सर, सर सब कुछ किया हुआ है, मोबाइल वाला तो हो रहा है, तो दूसरे आप वाला है ना सर, सर वो पहले चल रहा था पर अभी जैसे 10 दिन नहीं चलाया तो वो पता नहीं क्या नहीं चल रहा, चल गया था पहले। कोई बात नहीं, आप पार्थ जी को एक बार फोन करना, कुछ अगर उसमें वायरस भी आ गया होगा तो रीइंस्टॉल कर देंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, बाकी सर मैंने परवीन सर की सारी कर ली,
बाकी सब कुछ कर लिया, सिर्फ आपके पास अब एंड नहीं आना था, तो आगे पहुंच गए। ऑलवेज वेलकम मैम, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। नहीं है, ये शुरुआत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप जब ये सब साइंस सीख रहे हो, जब इससे आप रिजल्ट दोगे तो देखना कितना मार्वलस रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद मैम, जय गुरु जी। जय जय। राहुल भाई जय गुरु जी। चलिए शायद राहुल जी थोड़ा बिजी हैं, बजरंगी गुप्ता जी से बात करते हैं। गुप्ता साहब जय गुरु जी। नमस्ते सर जी। नमस्कार जय गुरु जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं बजरंगी जी? मैं मुंबई से ही हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो क्या लगा कि इस कोर्स को करना चाहिए, या क्या करते हैं आप लाइफ में इसके अलावा? सर मेरे पापा का मतलब जनरल स्टोर है। ओके। तो मैं उधर ही मतलब काम करता हूँ। ठीक है। मैं TYI ग्रेजुएट हूँ। ओके, वेरी गुड। मम्मी है ना 2014 में ऑफ हो गई। ओहो, सो सॉरी। उनका मतलब मन था कि मैं कुछ बन जाऊँ, मतलब मेरे फ्रेंड कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, और कोई CA है। ठीक है। ऐसा आपके पास CA भी आएंगे ये कोर्स को अगर आप दिल से करते हो, लॉयर भी आएगा, MP भी आएगा, MLA भी आएगा, पुलिस वाला भी आएगा। जिन्होंने जो जो प्रोफेशन लिया है उनका बहुत बहुत आशीर्वाद, उन्होंने अपना लकीस्ट प्रोफेशन चूज करा है। लेकिन एक बात याद रखना, आप अगर ठीक ढंग से इस कोर्स को सीखते हो तो ये सारी दुनिया का भला आप करने वाले। बॉम्बे तो अपने आप में, मुंबई अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है न्यूमरोलॉजी की, पुणे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, ये कहीं ना कहीं पे सारा का सारा हाई एजुकेटेड क्लास है, क्योंकि इनको नंबरों की परिभाषा बहुत अच्छे ढंग से समझ में आती है गुप्ता जी। सो ऑल डिपेंड अपॉन यू। जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी मम्मी कुछ चाहती थी, उनको आज हमारे बीच में नहीं है, बट रियली उनको दिल से थैंक यू करो, क्योंकि उन्हीं का ये आशीर्वाद है कि आज आप इस क्लास को करने आए। मेरी 5 बहन है, 1 बहन का शादी बाकी है अभी। ओके। मेरा 1 5 साल का लड़का है। ओके, वेरी गुड। अभी क्या करती है, हाउसवाइफ है? हाँ, हाउसवाइफ है। ओके ओके, वेरी गुड। वो लोग के सपोर्ट से मतलब मैं ज्वाइन कर पाया। जी जी। मैं मतलब लास्ट टाइम ही ज्वाइन करने वाला था जी, पर अभी मेरा पर्सनल ईयर 7 चालू हुआ ना। अच्छा, ठीक है। मेरा भी पर्सनल ईयर 7 ही चालू है। हाँ, आपका भी पर्सनल ईयर 7 जी 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 जी। तो पर्सनल ईयर 7 कहता है कि धार्मिक यात्राएं या फिर कहीं ना कहीं पे विद्या ग्रहण करना। तो ये आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है गुरु जी की तरफ से। चलो 3:33 हुए हैं, अगेन एंजल टाइम, आज आपको डबल एंजल टाइम का फायदा मिलेगा। जी गुप्ता जी, तो क्या लगता है कि सीखने के बाद कैसे काम करोगे, क्योंकि आपकी तो ड्यूटी बहुत हार्ड है। हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में, मतलब डर लगता है। कॉन्फिडेंस तो फिरोजा पहना हुआ है, वो दे तो रहा है। फिरोजा तो मतलब दुकान पे मतलब एक बाबा आए थे। अच्छा, ठीक है। उन्होंने दिया, बोला चांदी में बना के पहन लो। ओके ओके। चांदी में बनवा के तो है क्या, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे अगर नेम के स्पेलिंग ठीक नहीं है ना, तो कॉन्फिडेंस सारी जिंदगी नहीं आएगा। अगर कॉन्फिडेंस को लाना है तो सबसे पहले क्या करो, एक ग्रीन वाटर बॉटल, हरी वाटर बॉटल से पानी पीना स्टार्ट करो। आप पीता, जल ही जीवन है, और हमारी बॉडी जो है 70% पार्ट जो है वाटर से बना है। तो जब भी पानी पियो, ग्रीन वाटर बॉटल से पीना है। और दूसरा,
तीन दफा राम स्तुति सुबह स्नान करने के बाद और रात को सोने से पहले तीन दफा हनुमान चालीसा, ये करना स्टार्ट कर दो, आप अपनी लाइफ में चेंजेस 21 दिन या 43 दिन में देख ही लोगे। जी बजरंगी जी, जय गुरुजी। हाँ सर, जी डियर, जी डियर, जय गुरुजी। राहुल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गुरुजी सर, जय गुरुजी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। जय गुरुजी जी सर, जी डियर, इंट्रोडक्शन हो रहा है आपको, बच्चों के साथ कनेक्टिविटी हो रही है। जी डियर, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं बच्चों को वही बता रहा था कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं और क्यों क्यों कहीं ना कहीं पे इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, तो यही बातें हो रही थी। बजरंगी भाई साहब बॉम्बे से हैं, मुंबई से हैं, 5 बहनें हैं, 4 बहनों की शादी कर चुके हैं, 1 बहन के भी शादी होनी बाकी है, बहुत मेहनती लग रहे हैं, कहीं ना कहीं पे ये 248 वाले ही हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ है बजरंगी भाई? 25 मार्च 1985। 5 और 2 7 3 10 1 8 और 1 9, 5 और 1 6, 7 और 6 का कॉम्बिनेशन है आपका। ओके ओके, बट कहीं ना कहीं पे 25 की जगह 26 आप पे ज्यादा असर करेगी, अगर डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपको समझाया जाएगा कस्प। अच्छा, क्या बर्थ टाइम है सर आपका वैसे? हाँ, क्या बोले? बर्थ टाइम क्या आपको? हाँ, 6:10 का सुबह, सुबह का है 6:10। जी जी हाँ, राइट सर। न्यूमरोलॉजी तो इतनी बार में वेबिनार में आप मैं इतनी बार समझा चुके हैं कि क्यों करनी चाहिए। जी हाँ जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो आप लोग यहाँ पर हो। बिल्कुल, नॉट चूज बाय अस, नॉट चूज बाय योरसेल्फ। बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है 25 तारीख इनकी, और ये कहीं ना कहीं ऑकल्ट में बहुत नेम फेम कमा सकते हैं। मैं अरविंद सूद सर का प्रोग्राम भी देखता था, मतलब ओके उनका एक टैगलाइन है लास्ट में आते हैं ना, लाइव लाइफ नोट लॉन्ग ऐसे है ना, बिगर देन किंग साइज ऐसा कुछ है। जी जी जी, स्लोगन उनका लास्ट में। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल, लिव लाइफ किंग साइज आप इसको समझ लो। आपकी डेट ऑफ बर्थ में देखो 25 से 7 भी है, 5 भी है, कंडक्टर 6 भी है आपका, ये भी आपके लिए ढेरों आशीर्वाद है। कुआ नंबर भी 6 ही है, तो बहुत अच्छा आशीर्वाद है आपके लिए। सिर्फ ये है, मेहनत करोगे तो ये साइंस आपको बहुत बहुत कुछ आशीर्वाद देने वाली है। हाँ, तो वही कॉन्फिडेंस नहीं है सर, आप इसलिए 7 नंबर है, इसी वजह से कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको दूर करवाएंगे आपको। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बजरंगी जी। YouTube व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहूंगा, तो मैं उन सब यूट्यूब दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि क्लासेस कल से शुरू हो रही जी, और न्यूमरोलॉजी अमेजिंग साइंस है जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर। संदीप सर कैसा सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मुझे टेस्टिमोनियल आप लोगों ने हजारों बार सुन लिया, बट इट्स अ रियल गुड अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दिस क्लास। ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के लिए कैन कनेक्ट विद मी ऑन 7715930000। थैंक यू जी डियर। सर जी डियर, तो आज हमारी टेस्टिमोनियल क्लास है, कहीं ना कहीं पे आज जो हमारा नया परिवार गुरु जी ने बनाया है उनसे हम छोटे मोटे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि इस परिवार में जो जो हमारे ब्रदर सिस्टर आए हैं वो क्या करते हैं, कहाँ से हैं, और क्यों उनको लगा कि इस विद्या के साथ जुड़ना चाहिए। शोभा मैम, जय गुरु जी। सर मैं सूरत से हूँ। ओके मैम, मैं भी सीख चुकी हूँ पहले न्यूमरोलॉजी, लेकिन अब अच्छे से सीखना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही है। क्या कमी लग रही है? अच्छा और बुरा तो खैर कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं पे हमारी जील की कमी हो जाती और है। बस वही, और अच्छे नॉलेज लेना चाहती हूँ। अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कोशिश करो 6 महीने पढ़ो, फिर दोबारा रिफ्रेश कोर्स करो। कई बार होता है, मैं भी हीलिंग में हूँ मैं ज्यादा। जी मैम, जी मैम, एंजल हीलिंग और रेकी और देवी शक्ति और लामा फेरा ये सब मैं कर चुकी हूँ सर। ग्रेट। और न्यूमरोलॉजी में ये
मोबाइल एडवांस वो भी कर चुकी काफी, सिर्फ आपसे नहीं जुड़ी और मैं सब जुड़ चुकी हूँ। हमारा नंबर भी देखो आना था आ गया और सबसे लंबा हमारा कोर्स आज है। अभी अभी राहुल सर से बात की तो बोले कि मुझे करना अच्छे से, तो अभी जुड़ जाओ, तो उन्होंने अभी तुरंत अभी लिंक भेजी थी। यस, यस। मैं ठीक है, शो में मुझे फोन क्यों किया था ये तो बताओ। हाँ मैं बेटी के लिए किया था। ओके, ओके। मेरी बेटी का नंबर 33 है, उसकी वो आगे का फ्यूचर के लिए पूछ रही थी, वो कंफ्यूजन है मुझे किस लाइन में जाना है, 33 है उसका बर्थ। जी जी जी, तो कंफ्यूजन है मुझे क्या लाइन करना है क्या नहीं। एमडी करा दो, मैं एमडी, वो शादी हो गई सर उसकी। तो शादी हो गई? हाँ 2 साल हो गए सर। कोई नहीं, टीचिंग में लाइन में डलवा दो, 3-3 वाली है तो बहुत बढ़िया आशीर्वाद, नहीं तो हमारे लाइन में ले आओ, हमारा लाइन तो सबसे बढ़िया 3-3 वालों के लिए। बस वही कंफ्यूजन है, मैं उसको बोली कि इस लाइन में आ सकती है, तो बस वो कंफ्यूजन में ही है। बनी ही इसी लाइन के लिए है ये समझो, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है उसका। कोई नहीं मैडम, ये 23 दिन के बाद कॉन्फिडेंस सबका प्रॉपर भर देंगे, और फिर भी कम लगे तो हमारे पास एक और जादुई चमत्कार है सुमित रावल जी के नाम से, आप उनकी क्लास के वेबिनार में आना, वो आपको कॉन्फिडेंस से भरपूर भर देंगे। क्यों राहुल भाई? बिल्कुल बिल्कुल। क्या राहुल सर इसी लाइन में ले आऊं क्या बेटी को? ले आओ। मैंने तो पहले बोला वैसे भी वो बहुत अच्छी टीचर है, तो बोला ऑलरेडी वो टीचर थी। हाँ वो उसका टीचिंग वाला ही है, उसको बोलने का लैंग्वेज भी वैसे ही है। आज भी बात भी घर पे भी ऐसे ही करती है। हाँ वैसे ही करती है। वो उसका उसकी गलती नहीं है, वो उसके 33 के कॉन्टेक्ट अपने आप से करवा रहे, उसके नंबर उससे करवा रहे। सामने वाले अगर नॉर्मली बोलती है ना, सामने लोग कहते हैं कि तुम पढ़ा रही है या हमको डांट रही है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, वही चीज अगर वो लाइन में इसी लाइन में आएगी तो वो यही चीज उसको बड़ा कंसल्टेंट टीचर उसके लिए जिंदगी बना देगी उसकी। जितना आपका दामाद एक साल में इधर से उधर करता है ना, उससे दुगना वो कर लेगी। शुभा मैडम जिनसे आप बात कर रहे हो, आपको पता है इनका ड्राइवर कंडक्टर क्या है? क्या है सर? नहीं पता। 93 क्या? हाँ तभी ये जो है हमारे लिए बहुत बड़े सपोर्टिव हैं राहुल भाई। ये जो 3 नंबर है ना, ये ज्ञान का देवता है, तभी आप देखते हो कि हमारे सारे में ये देवता पुरुष आदमी आते हैं और अपना ज्ञान बांटते हैं। सर मेरे भी 3 कनेक्ट ज्यादा है, मेरी बहू भी 3 नंबर है सर। ओके। और एक बेटा भी 3 नंबर है, 4 और 3 है। देखो राहुल भाई से आपने बात करी, वो भी 3 नंबर वाले निकले, वही 3 तभी ज्यादा कनेक्ट है। आपका काम करा दिया उन्होंने। मैं 4 हूँ सर। अच्छा ओके, कोई बात नहीं मैम। मेरे लाइफ में संघर्ष ज्यादा है सर। कोई बात नहीं मैम, संघर्ष तो देखो अमित शाह जी के पास भी है, मेरे साथ भी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है उसमें भी। यस यस यस, आप उसको ये समझो कि ये हमारी पार्ट ऑफ द लर्निंग है तो और अच्छा समझ में आएगा। अगर हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी में चले जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं पे तकलीफ बढ़ा देगा। जी बहुत बहुत तो उसको फिर मैं उसको बोल दूं, उसे बेटे को भी ज्वाइन कर लेगी। बिल्कुल करो मैम, बिल्कुल करो, सोचने वाली बात ही नहीं है, जितना जल्दी करोगे उतना फायदा है, सर्टिफिकेट मिलेगा, राहुल भाई है, पद्मा मैडम है, पूरा का पूरा सपोर्ट करने के लिए है। ये तो आपको या उनको सोचना है। देखो है क्या, कोरोना के टाइम पे 2 साल लोग घर पे बैठे हैं, और कहीं ना कहीं पे थैंक्स टू पद्मा जी, थैंक्स टू राहुल भाई, हमारे को फुर्सत नहीं मिली। तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि जहां पे दुनिया के पास काम नहीं था, हमारे पास फुर्सत नहीं थी, ये जो जूम हमारे को मिला है गुरु जी के आशीर्वाद से, तो ये कहीं ना कहीं पे एक ऐसा आशीर्वाद मिला है कि हम घर बैठे बैठे, वरना आप सूरत में, मैं दिल्ली में, कहां हमारे, अब राहुल भाई जयपुर में, हमारे सागर सीकरी जी हैं कलकत्ता में, कैसे हमारी मुलाकात हो सकती है? कुछ सोच नहीं सकते थे हम, बट देखो कैसे इस जूम ने दूरियां को नजदीकियों में कन्वर्ट किया। और यही मैं कह रहा हूं कि मेरा कोर्स 23 दिन का है, सबसे लंबा कोर्स है, रोज 2 घंटे हम मिलेंगे, तो आपको समझ में आएगा ये कितनी यूनिक क्लास है, कितना जबरदस्त ये टूल मैं आपको देने वाला। तो बिल्कुल आप उनको लेके आइए और उनको कहिए ज्वाइन करें। ठीक है सर, थैंक यू। जी रंजीता मैम कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
हाँ जी सर, ये मेरे का बस यही आ रहा था, इसके आगे खुल नहीं रहा था वो सॉफ्टवेयर। मैम पेन ड्राइव लगा रखी है क्या हुआ सर? नहीं सर। मैडम पेन अच्छा ड्राइव सर, जी। नहीं मैडम पेन ड्राइव कहाँ है? पेन ड्राइव लगाओगे तभी तो ये चलेगा। आपने उसकी आत्मा बाहर निकाल दी, आपने उसकी आत्मा बाहर निकाल दी। ओके सर, अरे हुआ कुछ नहीं मैडम, जब तक इसकी पेन ड्राइव लगी होगी तभी ये काम करेगा। जी अब आप देखो, अब आप देखोगे ओके करते ही ये चल पड़ेगा। मैम आपकी आवाज कट रही है मैम, सर आपके आशीर्वाद से चल पड़ा। चलिए मैम सब गुरु जी का आशीर्वाद है। मैम मैं तो कह रहा था हमने बहुत दिल से सॉफ्टवेयर बनाया है, सिर्फ बस यही है अगर पेन ड्राइव है तो चलेगा, पेन ड्राइव नहीं है तो नहीं चलेगा। मैम थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, वेलकम मैम, वेलकम। सो बात करते हैं सागर भाई से। सागर भाई मुझे मिले थे आज से शायद 2 साल पहले। सागर भाई शायद आपको याद हो, 2 साल पहले मैं योगेश केशवानी जी के साथ आया था। हाँ जी सर, जी। वो लवेबल मोमेंट्स थे। यस डियर, जय गुरु जी। पापा भी शायद साथ में थे उस दिन। हाँ जी सर, इजाजत है, मुझे इजाजत है सर। बिल्कुल डियर, थैंक यू। आप अगर रुकोगे तो हमें और खुशी होगी, अगर आपको कोई जरूरी काम है तो प्लीज उसको करें। मुझे उसमें स्पाइस वाली क्लास में जाना। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। राधे राधे सर, थैंक यू टू गुरु जी सर। राधे राधे, आप कल एक बार ही आके बच्चों को फिर गाइड। शो सर मैं पूरा एक्सप्लेनेशन कल आके क्लास में दे दूंगा। जी ठीक जी। सागर जी जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी सर। सबसे पहले तो मुझे आज इतनी गुरु की आशीर्वाद मिली है कि मैं क्या बताऊं। मैं जब क्लास ज्वाइन किया तो मुझे 3 गुरु जी की फोटो दिखी है, ठीक है, 3 नंबर मिला। आज का डेट जनवरी फरवरी मार्च, वो भी एक 3 आ गया, ठीक है। तीसरा बात, आप एक नए गुरु मेरे को मिले हैं, वो भी एक गुरु आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने हीलिंग में बोली ना कि गुरु की टाइम हो गई, वो भी ब्लेसिंग्स ले लो, मैंने वो भी गुरु की ब्लेसिंग्स ले ली। तीसरा बात, मेरा गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आज भरपूर गुरु जी की तो बहुत ही आशीर्वाद मिली है, ठीक है। और दूसरा बात सर, इतना पता है कि आपसे सीखने आया हूँ और मैं बहुत ग्रो होऊंगा इससे, और बस मेरे को इतना पता है कि कॉन्फिडेंस लेवल यही वाइब्रेशंस मिल गई, क्योंकि आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट एंड अ प्राणिक हीलर। तो इसी चीज में इतना वाइब्रेशंस मिला है कि मैं अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है सागर भाई। और बच्चों को बताओ अभी आपकी एज कितनी है? सर मेरी एज उतनी ज्यादा नहीं है, मेरी एज अराउंड 24 है। यस, यही मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि देखो आपके लिए कुछ भी एज हो सकती है, और शायद 21st एज से आपने 21 साल की उम्र से सीखना स्टार्ट कर दिया था। सर मैंने सीखना तो बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था अपने फादर से देख के, क्योंकि एक मतलब एक होता है ना कि मेरे ग्रिड में 3 नंबर है, ठीक है। तो बस फादर को देख के लगा नहीं, यही चीज करना है, लोगों की हेल्प करनी है और ये इंट्यूशंस में घुसना है, तो बस इसमें आ गए। बाकी गुरु जी की आशीर्वाद और मेरे श्री गुरु महाराज जी की कृपा है तो आया हूँ, तो अभी तक तो चल रहा हूँ। बाकी आपको नहीं लगा लाइफ में कि आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए? सर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सर मेरे को यहाँ लगा जिंदगी में 3 जन की ज्यादा जरूरत होती है, एक वकील, दूसरा डॉक्टर, तीसरा एस्ट्रोलॉजर। अब न्यूमरोलॉजिस्ट लगता है मेरे को सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आप लॉयर या डॉक्टर क्यों नहीं बने, क्योंकि आपके पास ये पूरा स्पोर्ट था? सर क्योंकि मेरे को मतलब शुरू से यही चाह हो गया था कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, फादर की फील्ड में। जी जी जी, क्योंकि बस फादर की फील्ड में जानना था, और मेरा मतलब वो चीज में गया ही नहीं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस यही था कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है, तो वो मेरा एक तो पैशन ही था शुरू से। ग्रेट शोभा मैडम, यही मैं कहना चाह रहा था, देखो कि सागर अभी मात्र 24 साल का है और कहीं ना कहीं पे ड्राइवर 3 कंडक्टर 1। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपकी बिटिया भी 3 और 3 वाली है, उस बिटिया को कहो समझाओ कि अगर ये कर सकती है करे। अब देखो
शायद सागर ने 18-19 साल में अपने फादर को देखा, चीजों को समझा और उसके साथ जुड़ना स्टार्ट किया। जबकि हर फादर की इच्छा होती है कि मेरा बेटा एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में जाए, चीजों को देखे, पर मैं कहता हूं ये विद्या अपने आप में यूनिक है। जैसे हमारे को गुप्ता साहब ने बोला कि मेरा कोई दोस्त सीए है, मेरा दोस्त कोई लॉयर है, मेरा दोस्त कोई कहीं ना कहीं इंजीनियर है, मैं कुछ नहीं कर पाया, ये सोचना ही नहीं है। क्योंकि भगवान ने आपको पर्टिकुलर किसी और चीज के लिए बनाया है। अमिताभ बच्चन भी कहीं ना कहीं पे साइंस ग्रेजुएट है, कलकत्ता जॉब करके आए, मन नहीं लगा, बॉम्बे गए, बॉम्बे में जाके चीजों को देखा, 10 मूवीज फ्लॉप, लेकिन अगर वो फ्लॉप मूवीज ना मिलती तो हमें शायद इतना टैलेंटेड शहंशाह नहीं मिलता। सो यही चीजें हैं कि आपको भगवान ने किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए बनाया है। जैसे सागर ने बोला 3 और 1 वाला, तो जो इसने लाइन बोली है ये सब बिल्कुल परफेक्ट बोली है, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोलॉजर, ये 3 वाले को भगवान का स्पेशल आशीर्वाद है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पे ज्ञान का एक ऐसा आशीर्वाद भगवान देके भेजता है कि वो लाइफ के अंदर इस आशीर्वाद से बहुत तरक्की कर सकते हैं। बस समझने वाली बात वो है कि वो किस चीज के साथ जुड़ना चाहता है। आप देखो ना, रजनीकांत 3-3, जैसे आपकी बेटी 3-3 है, रजनीकांत इज ऑल्सो 3-3। उनका टैलेंट देखो कितना जबरदस्त है, बहुत ज्यादा। और जैसे हमारे सागर भाई हैं, ऐसे ही सोनू निगम भी 3-1 वाले हैं जी। तो सर आपकी क्लास सीखने के बाद तो और बहुत कुछ पता चलेगा जो हमें नहीं पता है जी। डियर, कोशिश यही है सागर भाई कि इस साइंस से हम वो फायदा उठाएं जिसे अभी तक हम कहीं ना कहीं पे समझ नहीं पा रहे थे या सपोर्ट नहीं ले पा रहे थे। जैसे अभी मैडम ने, रंजीता मैडम ने कहा कि सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही वो वक्त आ रहा था उन्होंने एंजल टाइप वो करा, पेन ड्राइव लगाई, सॉफ्टवेयर चल पड़ा। तो ये हर चीज का एक टाइम मुकर्रर है। तो आप बिल्कुल इसको सीखोगे, लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो देखो कितने आशीर्वाद आते हैं। और सर आपका नाम तो खैर बहुत ही सुना है और हर लोगों ने, बहुत मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स ने भी आपकी बैच की क्लासेस ली थी, ठीक है। वो भी, वो दीपक धिंगरा को आप जानते ही होंगे, उन्होंने भी आपसे सीखा था, ठीक है। तो उन्होंने भी आपकी बहुत तारीफ की है। तो खैर मैं तो आपसे बहुत पहले से ही जान चीन है, पर होप फॉर द बेस्ट। अब मजा आएगा, एक और गुरु मिला है मुझे। और सर ये एंजल वाला जो है, ये एंजल टाइमिंग क्या कहोगे मेरे को? एंजल टाइमिंग, एंजल्स टाइमिंग की जो हम ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो क्या टाइमिंग्स है? डियर नोट कर लो, जैसे 1:01 जब भी हमें रिपीट टाइम दिखाई देगा, आप सब नोट कर लीजिए। अगर बाई चांस देखो, चीटिंग नहीं करनी, नहीं मतलब ऊपर वाला हर चीज देख रहा है ये, नहीं जरूर। तो जैसे 1:01 1:01 1:11 1:11 2:02 2:02 2:22 मैं चीटिंग इसलिए कह रहा हूँ सागर भाई कि मान लो घड़ी में बजे हैं 2:19 हाँ मैं समझ गया सर, हम पकड़ के बैठ गए कि बेटा इधर को छोड़ूंगा रे, ऊपर वाला कहता है बेटे फिर मैं भी करूंगा। अच्छा अच्छा, मतलब जब अगर स्पेसिफिकली दिख जाए तब लेनी है। यस, तब ब्लेसिंग। अच्छा, तब वो ब्लेसिंग सक्सेस होती है, मतलब वो हम अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं अगर हम गलत टाइमिंग में करते हैं। वो हम चीटिंग कर रहे हैं। हाँ मैं समझ गया, अब समझ गया सर, मतलब रिपीट्स नंबर रहेंगे, बट सर 0 की कोई वाइब्रेशन नहीं है। कोई वाइब्रेशन नहीं, 3:03 3:33 ऐसे सारा चलेगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू। 12:12 तक। अब ये कार के अंदर भी दिख जाए, आप ड्राइव कर रहे हो, एकदम आपके सामने गाड़ी आती है, 1:11 अच्छा अच्छा, इमीडिएटली गॉड को थैंक यू बोलो और अपनी विश मांग लो। और जब भी विश मांगनी है दोस्तों, हमेशा अफर्मेशन में मांगनी है, मेरा नया मकान बन गया है उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा बेटा अब्रॉड सेटल हो गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बेटे की शादी हो गई है उसके लिए, अभी शादी हुई है या नहीं हुई है। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है और मैं उसके लिए थैंक यू दे रहा हूं।
क्योंकि लोग कहते हैं हे भगवान मुझे नया मकान दे दो ना, हमने अफर्मेशन में कहना है मुझे नया मकान मिल गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी नई होंडा सिटी आ गई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी नई थार आ गई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसको विजुलाइज करो कि हाँ मेरी थार जो है रेड कलर की आई है, उसका 0006 नंबर है। वो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको चीजें कन्वर्ट करके दिखाएगा, ये मेन चीज है। क्लियर? हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू सर इतना टाइम देने। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। जय गुरु जी सर, बोलो। जय गुरु जी। प्रिया मैम जय गुरु जी। प्रिया जी सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम, लाउड एंड क्लियर। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर जी, हैप्पी शिवरात्रि सर। हैप्पी शिवरात्रि मैम। आज किसी ने हैप्पी शिवरात्रि नहीं बोला जब से क्लास शुरू हुई है। कोई बात नहीं, भगवान ने आपके मुंह से निकलवाना था ना। सर महादेव, मैंने सर आज मैंने बहुत शुक्रिया किया भोलेनाथ जी का जी, कि मैं बहुत देर से इस क्लास का वेट कर रही थी। आपको भी पता है सर मैं 3 बजे वाली क्लास का बहुत वेट कर रही थी जी मैम, और आज के दिन वो क्लास स्टार्ट हुई है तो उसके लिए मैंने बहुत बहुत शुक्रिया किया उनका। और मैंने मंदिर में गुरु जी की भी ब्लेसिंग्स मिल गई और महादेव की भी ब्लेसिंग्स मिल गई। जी सर जी बिल्कुल, मैंने मंदिर में सेवा ली हुई थी सर। okay. तो मैं सेवा करके फटाफट से 3 बजे की क्लास अटेंड करने के लिए फटाफट घर पे आई सर। Okay. और मेरे को बस इंतजार था कि अब फटाफट से क्लास शुरू हो जाए और मेरा नंबर आ जाए। बिल्कुल आएगा मैम, बिल्कुल आएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने पेशेंटली हर चीज का वेट किया, तो ऊपर वाले ने भी तो आशीर्वाद देना था। जी सर जी, थोड़ा बच्चों को बताओ। जी जी जी, मैंने बहुत हर चीज का बहुत ज्यादा वेट किया सर। जी मैम, सर मेरा नंबर भी 8 और 4 है। ओके ओके जी सर, तो आपसे ज्यादा बेटर और ये कोई नहीं जानता होगा सर कि मैंने वाकई सच में बहुत वेट किया होगा। पर देखो तपस्या करने से ही कृष्ण मिलते हैं ना जी सर, तो हमारे को कहीं ना कहीं पे ऐसा आशीर्वाद मिला कि आज शिवरात्रि भी है और गुरु जी का भी आशीर्वाद है और आप बड़े मंदिर सेवा भी करके आए हो। जी सर बिल्कुल जी जी। तो आज तो सर मैं बहुत बहुत बच्चों को बारे में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, ताकि बच्चे एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में जान सके। सर मैं चंडीगढ़ से हूँ। ओके। और मैंने आपका पहली बार यूट्यूब पे वीडियो देखा था जी मैम। इससे पहले मैंने श्वेता जुमानी जी का एक वीडियो देखा था जी, जिसके अंदर उन्होंने नेम चेंजेस के बारे में बताया था। ठीक है। तो जब मैंने नेक्स्ट वीडियो देखा सर, नेक्स्ट वीडियो वो आपका था, मैंने सर उसका सारा का सारा बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ सर। जब मैंने पहली आपकी वीडियो देखी थी ना सर, मैं उससे उसके बाद से ही मेरा पूरा मन था कि मैं आपसे सीखूंगी ये सर। ये आपको याद होगा सर, आपने बहुत पहले ही वीडियो बनाई थी जिसमें आपने ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी दिखाए बताए थे किस तरह से टोटल करते हैं, और पूरा नंबर बताया था सर आपने जी, जी, जी। और एक आपने बताया था मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में जी मैम, इसमें आपने ये भी बताया था कि मोबाइल में कौन से जो अंक है वो नहीं होने चाहिए जी जी, जैसे कि 2, 8 2, 4 नहीं होने चाहिए। उसके बाद से मैंने सबसे पहले तो मैंने नोटिस किया आपकी वीडियो देखकर कि जो मेरा मोबाइल नंबर है सर वो इत्तेफाक से 8 नंबर पे ही था। ओके ओके जी सर। फिर सबसे पहले मैंने आपकी वीडियो देख के अपना मोबाइल नंबर चेंज किया सर। सुपर्ब। 6 नंबर पे लेकर आई सर। सुपर्ब। और उस नंबर में 2, 8, 4, 6, 2, 4, 8 नहीं है सर। सुपर जी सर। तो उसके बाद से मेरे को यही था कि मैं किस तरीके से आपसे बात करूं इस बारे में कि मैंने आपकी क्लास ज्वाइन करनी है। कब नंबर चेंज किया था आपने ये सर? मेरे को हो गया पिछले साल किया था सर मैंने ये नंबर। क्या फर्क महसूस हुआ पिछले एक साल में सर? उसके बाद से मैंने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा चेंज फील किया कि कोई भी काम, जैसे मेरा कोई भी काम था वो बनते बनते बीच में ही रह जाता था, रुक जाता था। बिल्कुल जी सर, वो पूरा ही नहीं होता था। अगर मान लीजिए मैंने स्टार्ट भी किया है तो वो पूरे होने तक पहुंचता ही नहीं था सर, वो बीच में ही रुक जाता था। आंसू निकल जाते थे किसी भी काम को कंप्लीट करने। जी सर बिल्कुल। इतनी अड़चने की कुछ जवाब नहीं पूछ सकते सर, आप बिलीव नहीं करेंगे। आपकी क्लास मैं उस टाइम ही ज्वाइन करना चाह रही थी जी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं कर ही नहीं पा रही थी।
लेकिन अब जब से मतलब वो फोन नंबर मैंने चेंज किया है अपना जी, उसके बाद से मैंने पूरी शिद्दत से कोशिश करी कि मैंने इस बार क्लास ज्वाइन करनी ही है जी। और भगवान ने गुरुजी ने सब कुछ करवा दिया सर, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि अब मैं लाइफ में शायद आगे बढ़ सकती हूँ। पर आपसे मैं बहुत ज्यादा सर मेरे को इंस्पिरेशन मिली है इस चीज को लेकर कि लाइफ के अंदर अपने आप को खुद को चेंज करने का आपने एक बहुत अच्छा रास्ता बताया है हमें। बिल्कुल मैम, मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हुई थी उस वीडियो को देखकर, और जब से मैंने चेंजेस फील किए तब से तो मैं ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ सर। सारी बात ही है कि देखो कहीं ना कहीं पे हमसे छुपाया गया है जी सर, ये इतनी प्योर साइंस है कि अगर हम दिल से इस साइंस के साथ जुड़ते हैं ना, इतना आशीर्वाद है, इतना आशीर्वाद है, हम सोच नहीं सकते। अब देखो आपको समझ में आया कि आप 4-8 वाले हो, लाइफ में आपने कितनी कितनी ढेरों मेहनतें करी हैं पर सक्सेस रिजल्ट नहीं मिले। एक छोटा सा एग्जांपल, आपका मोबाइल नंबर आपने चेंज किया और देखो उसी से आपका मन में कितनी शांति है जी सर। जबकि आप और मैं दोनों 8 वाले और हमें पता है कि हमने कितने खून के आंसू रुलाए हैं जी सर, बिल्कुल। मतलब एक छोटी सी चीज भी चाहनी होती है ना, तो उसके लिए ना दिल से निकलता है कि भगवान क्या हमसे गलती हुई। अब गलती तो वही हुई कि हम जिस डेट ऑफ बर्थ है पैदा हो गए जी बिल्कुल सर जी। तो ऐसा लगने लग जाता है एक टाइम में कि हम इस डेट ऑफ बर्थ में पैदा ही हुए जी 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 जी। लेकिन जब से मैंने आपकी वीडियो देखनी शुरू करी है सर, मैं तकरीबन आपकी यूट्यूब की सारी वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे ऐसा फील होने लगा है कि अब लाइफ के अंदर कुछ चेंज होगा और वो जरूर होगा सर। बिल्कुल, क्योंकि देखो हर नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जी सर, चाहे वो 2 है, चाहे 4 है, चाहे 8 है, हर एक के लिए वो स्पेशल ब्लेसिंग्स लेके आता है। हमें समझना है कि अगर वो हमारी लाइफ में आ चुका है तो अब हम उससे कैसे सपोर्ट लेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था अभी तक कि ये लाइफ के अंदर कितने हमारे लिए दुख तकलीफ हो सकती है जी सर। बट जैसे जैसे आप इस कोर्स को करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा ये भी बहुत बड़े वरदान है आपके लिए भी और मेरे लिए। सर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है जो अभी मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊंगी, पर हाँ मैं आपसे जरूर बात करूंगी अलग से इस बारे में, कोई बात और मैं आपको बताऊंगी जरूर कि मतलब मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा है। जी मैम, जी मैम, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच, वेलकम मैम, वेलकम जी। सागर भाई, जय गुरु जी। सर एक्चुअली वो बीच में थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है तो मैंने आपका फोन से भी कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। दोनों पे सागर सी सीकरी लिखा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक है, वही मैं बता। ठीक है, किशोर कुमार जी, जय गुरु जी। सर अनम्यूट करें, अनम्यूट करें सर। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। हाँ जी जी सर, पहले तो मैं ये आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। क्या बात है, वंडरफुल सर, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। सर जी मैं आपका लगभग 1.5 साल से आपका यूट्यूब देखता आ रहा हूँ, बहुत इम्प्रेस हुआ। वैसे मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ और आपके यूट्यूब से काफी कुछ सीखा हूँ, देखा हूँ और उसको अप्लाई भी कर रहा हूँ, और काफी अपने समझ लीजिए रिलेटिव को आपके ज्वाइन भी करवाया हूँ आपके ग्रुप के, जैसे दीपक ढिंगरा, मिनी नरुला, ये एक सागर सिकरी, ये मेरा भतीजा ही है जी। और सिल्की ढिंगरा, तो ये लोग मतलब ज्वाइन किए हैं क्योंकि आपका एक सिखाने का एक अंदाज या जो भी हो आपके ग्रुप वाइज का जो भी है बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए हमने आपको ज्वाइन किया। तो आपकी ये अंकों वाली जो ये क्लास, न्यूमरोलॉजी वाली क्लास काफी दिनों से कोशिश कर रहा था, बस संजोग नहीं बैठ रहा था जी सर, जी सर। तो बस ये अब हमारे जो सागर सिकरी भी आ गए और मैं भी, दोनों एक साथ ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने। अच्छा भतीजे इकट्ठे ही आ रहे थे, ऊपर वाले ने गेम ऐसा खेला हुआ था। हाँ बस यही है, और सब तरफ से आपकी हर चीज को अब मैंने अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, कर भी रहे हैं, और आगे देखते हैं क्या क्या आप हमको दक्षिणा, गुरु दक्षिणा देते हैं, हम भी फिर गुरु दक्षिणा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप भी कितना ध्यान आप देते हैं, आप भी कलकत्ता से हैं सर?
हाँ जी सर, हाँ जी। ओके ओके ओके। अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है, वहां के लोग भी कहीं ना कहीं पे इस विद्या के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप जब बिल्कुल बिल्कुल इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स आ सकती है आने वाले टाइम में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ग्रेट डियर, ग्रेट। और घर में कौन कौन है आपके? बस हमारी वाइफ है, वो भी टैरोट कार्ड रीडर है। ओके। और हमारे दो बेटे हैं, वो भी टैरोट कार्ड रीडर ही करते हैं। वो मैंने इसी लाइन के साथ जुड़े हुए। वैसे मेरा एक अपना पब्लिकेशन का भी काम है और साथ में मेरा एक चैनल भी है, टीवी चैनल, उसमें हम लोग अपना सब प्रोग्राम करते हैं। ठीक है। लोकल चैनल है। ओके। लोकल चैनल है, बस यही है, ऐसा काम। ठीक है, चल रहे हैं। बिल्कुल, आप इसमें न्यूमरोलॉजी को भी प्रमोट करो, बहुत बड़ा, क्योंकि देखो लोकल लैंग्वेज आने का अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप जब इसके साथ जुड़ोगे और लोकल लैंग्वेज में इसको प्रमोट करोगे तो अपने आप लोग आपसे बिल्कुल समुंदर की तरह जुड़ने शुरू हो जाएंगे। बस ये सच बताऊं सर, मैंने आपका यूट्यूब देख देख के समझ लीजिए 72-75% सीख लिया हूं। छुपा। अब खाली बस ये सीखना है प्रेडिक्शन कैसे करनी है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। बस ये आशीर्वाद आपसे ले लूंगा तो फिर बस बिल्कुल ठीक रहेगा ना। तो जब प्रॉपर चैनल पे आप सीखोगे, प्रॉपर वे से आप लर्निंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी प्योर साइंस है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे यूट्यूब पे तो कहना कि आज मन में आया तो आज मन में आया तो ये डाल दिया, लेकिन यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बस बस इसी वजह से ही तो मैंने दीपक ढिंगरा को भी कहा तुम सीखो, और ये हम और सागर सिकरी भी जैसे अभी आ गए हैं तो प्रॉपर वही से हम लोगों ने सीखने का एक बस सोच लिया कि बस सीखना है, तो इसीलिए मैं खुद बना आया हूँ। बाकी आपका मतलब पढ़ाने का ढंग और समझाने का ढंग बहुत यूनिक होता है, ये मैं यूट्यूब से ही देख के समझ लिया हूँ। बस अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। कम सब गुरु जी का आशीर्वाद है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके रूही मैम, जय गुरु जी। हेलो सर, सर थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो ऑन नहीं हो रही है। नो इशू मैम, नो इशू। सर मैं रेवाड़ी से हूँ और आपकी वीडियोस बहुत देखी, सूर्या मैम की मोबाइल न्यूमरोलॉजी मेडिकल न्यूमरोलॉजी दोनों करी, आपसे ही एक्चुअली कनेक्टेड थी जब वीडियोस वगैरह देखती थी तो बहुत अच्छा लगता था। वैसे बेसिकली न्यूमरोलॉजी का काफी कुछ पता है लेकिन कभी कहीं से मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया, तो मन था कि कहीं आपको देखकर कि आपसे कनेक्ट हूँ, लेकिन चांस की बात है एक दिन आपका वेबिनार अटेंड करने को मौका मिला, उसमें पता चला कि भाई मैम की, सूर्या मैम की एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास आ रही है, तो उसी वजह से आपसे कनेक्ट हो पाई। फिर लास्ट मंथ जो आपका कोर्स था उसके टाइमिंग्स कुछ सूट नहीं कर रहे थे इसलिए इस मंथ वाला ज्वाइन कर पाई। थैंक यू सर, आपका भी और गुरु जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आप लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिला। सब गुरु जी का आशीर्वाद है रूही मैम, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप इस विद्या के साथ जब जुड़ते हो तो पत्नम तो भला करते करते हो, दुनिया में पता नहीं कितना भला करने वाले हो। बिल्कुल सर, सर यही एक एक्चुअली सीखने का यही एक पर्पस है कि जो हम अपने परिवार के साथ अच्छा कर पाए वो तो बेटर ही है, उससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन और किसी का भला अगर हो सके हमारे द्वारा तो बस उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और जैसे आप लोग सर्विस कर रहे हैं उसको देखकर थोड़ा सा और प्रमोट होते हैं हम लोग कि हाँ कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सबकी हेल्प करना इतना, मतलब जैसे आपने वेबिनार में जब कहा कि मेरा 7 नंबर आया है, जैसे मेरे पास 1 and 7 की हूँ मैं, तो मतलब आपको लगा कि मैं इसमें इससे कनेक्ट होने में मेरे फायदा है, तो बस फिर मैंने मन बना लिया कि अब अपनी इस हॉबी को मैं एज अ प्रोफेशन यूज करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कल के वेबिनार में प्रवीण सोनी जी का वेबिनार चल रहा था। हाँ जी, यही स्टूडेंट है अजय श्रीवास्तव। हाँ जी हाँ जी, मैं उस वक्त उसमें थी। तो देखो कल कैसे 4 महीने बाद पेमेंट निकल के आई। बिल्कुल बिल्कुल, 99 लाख। यस, और उसके बाद 4.25 करोड़ की भी उन्होंने बात कही। तो सर मैं तो मतलब ऐसा था कि उस वक्त ना मतलब बिल्कुल ऐसे नींद में हुई हुई थी मैं, और जैसे उनकी बात सुनी मेरी तो आंखें खुल गई, मैं लो माय गॉड। और सर आज मेरे पास एक क्लाइंट भी थी
उनको भी मैंने यही वाला अपनी रेमेडी बताई और खैर वो मुझे सिल्वर डस्ट का तो खैर आइडिया नहीं था लेकिन आज जैसे हमारे ऑफिस बुलवा सकते हैं। नहीं वो क्या रेमेडी एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो उनको है, जैसे मान लो आप किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाते हो या कोई क्लाइंट ऐसा है जो आपके पैसे नहीं दे रहा या कोर्ट में जाना है जहाँ पे आपका कोर्ट केस चल रहा है तो सिल्वर डस्ट को लेके जाओ, सिल्वर डस्ट की पुड़िया मिल जाती है हमारे ऑफिस से, इन दो फिंगर से पकड़ के आप बातें कर रहे हो तो उसको चुपचाप जमीन पे गिरा दो, इन दो फिंगर से ऐसे स्प्रिंकल कर दो। हाँ जी हाँ जी, जैसे आप कोर्ट रूम में घुसो तो राइट हैंड से करके हुए स्प्रिंकल कर दो, पर थोड़ा ध्यान रखना कि कोर्ट रूम में कैमरे लगे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल 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 जी, तो ये बहुत प्रूवन रेमेडी है। एक बच्चे को बेल नहीं मिल रही थी, उसको घर फंसा दिया गया था पिछले 18 महीने से, मैंने भी उसको ये रेमेडी करवाई क्योंकि मेरी रेमेडी नहीं है, प्रवीण सोनी जी की रेमेडी है। हाँ जी, हाँ जी। वहां पे उसको 18 महीने के बाद बेल मिल गई अचानक से। वेरी गुड। सो सबसे बड़ी बात ये है कि सीखने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि मैं तो खैर इस रेमेडी को भी नहीं सिखाऊंगा आपको इस क्लास के अंदर, वो प्रवीण सोनी जी की रेमेडी है, बट मैं कह रहा हूँ सीखने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं, बिल्कुल ठीक है। इस समय कहां से कौन सी रेमेडी आपके या आपके क्लाइंट के काम आ जाए और बल्ले बल्ले। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्चुअली पता है क्या है कि बेसिकली तो जब मेरी मैरिज हुई थी आज से 23 इयर्स पहले, तब से मैं और मेरी मदर दोनों इस की तरफ अट्रैक्टेड थे। मेरी मदर ने काफी आगे तक गई भी वो, लेकिन एज अ प्रोफेशन कभी नहीं अपनाया इस चीज को, तो एक वो एक कनेक्टिविटी न्यूमरोलॉजी के साथ थी। लेकिन साथ में मेरी एक कजन है, वो एस्ट्रोलॉजी वास्तु वगैरह सब करती है, तो उससे भी एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो करती थी और सब कुछ ठीक होता था तो लगता था है कितना अच्छा काम कर रही है। उसके बाद धीरे धीरे करके आप लोगों के वेबिनार्स को देख देख कर इतनी इंस्पिरेशन मिली कि मैं आखिर इस कुएं में कूदी गई हूँ। कुआ ही कह देना चाहिए। बहुत बढ़िया है, क्योंकि क्योंकि हाँ क्योंकि ये इतना गहरा है कि बस किसी नीचे का अंदाजा ही नहीं है, जितना मर्जी सीख लो। इसीलिए मैंने इसको कुएं का नाम दिया। वैसे तो ये तो इसकी एक एक चीज बूंद जो है ना वो सागर से भी कीमती है। इतना इतना सुंदर, इतना अच्छा, मतलब हर चीज जो एक जो सूर्या मैम ने हमको सिखाई न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, जो मेडिकल में, मतलब ऐसा लगता है आंखें खुल गई हूँ कि ओ माई गॉड, उससे ही इतना कॉन्फिडेंस आया। बिल्कुल, एक्चुअली नॉलेज कॉन्फिडेंस लेके आती है, वो जो है ना वो इसीलिए सीखने की अर्ज जो है ना वो बढ़ गई है बहुत ज्यादा। आज की डेट में क्या हो गया है, हर चीज को ना हर शख्स को इंस्टेंट चाहिए। बिल्कुल, कॉफी, इंस्टेंट फूड, हम वो चपाती का वेट नहीं कर सकते, हमें तो डोसा चाहिए, इडली चाहिए, वड़ा चाहिए या पिज्जा चाहिए, इंस्टेंटली बन के आ जाए। तो ये न्यूमरोलॉजी जो है कहीं ना कहीं पे आपकी उसी इंस्टेंट की एक पूरी पूरी यूनिकनेस के साथ डिलीवर की जाती है। बिल्कुल सर, सर एस्ट्रोलॉजी आप सीखने की कोशिश करो, मेरे ख्याल से 2 साल लग जाएंगे, कभी सीख ही नहीं सकता। के एन राव साहब कहते हैं, जो कि भीष्म पितामह है एस्ट्रोलॉजी के, वो ये कहते हैं कि 3 जन्म भी कम है एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। मैं सही, बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। मैं कह रही हूँ मैं उसके अंदर घुसकर वापस आ गई, ना बाबा ना, मेरे से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी भी चीज के साथ हो उसके दिल के साथ सीखो, और ये तो छोटी छोटी साइंस है हमारी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मरीन न्यूमरोलॉजी, ये कहीं ना कहीं पे छोटी छोटी साइंस है। 23 दिन का हमारा कोर्स है, आप सीखो और अपनी लाइफ में देखो कैसे आपको 5 स्टार मिलने वाले हैं इसके साथ। बिल्कुल सर, सर मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरी जो नॉलेज है वो एक्चुअली ठीक है कि नहीं। आप जब सिखाएंगे तो उससे मतलब मुझे बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा। सिर्फ प्रैक्टिस, कल से हम रोज प्रैक्टिस करने वाले हैं, सिर्फ प्रैक्टिस। बिल्कुल, 23 दिन के लिए बीवी बच्चे को भूल जाओ, पति को भूल जाओ, 2 घंटे दे दो, और उसके बाद आपको वही लोग जिनको आपने इन 2 घंटे के लिए छोड़ा है वही आपकी तारीफ करने वाले। सर एक बात और पूछनी है, ये तो आपने हमारे बूस्ट अप कर दिया है कि बस सब पूछो मत, हम सबका बल्कि कहना चाहिए। सर एक बात और, ये आपने फिरोजा पहना हुआ था उतारा के?
मैंने फिरोजा पहना हुआ था, मेरी बीवी ने मुझे पहना दिया था, वो टूट गया, तो वो दोबारा बनने के लिए दिया है, शायद उसका वक्त उस दिन का नहीं आया था, अब बिल्कुल ठीक। ये भी बीवी ने पहनाया जबरदस्ती, मैं पहनता नहीं हूँ। कहीं ना कहीं पे कुछ वो प्रॉब्लम उसको उसके एस्ट्रोलॉजर ने बताई होगी, तब उसने मुझे ये पहनाया है। अच्छा, वो अब कहीं और जाती हैं, हम आपके पास आते हैं, बताओ। जाती कहीं नहीं है, आप जैसे प्यारे लोग ना कहीं पे आ जाते हैं और ज्ञान दे जाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब गुरु जी को मानो। गुरु जी कहते हैं कि भैया ठीक है, नेम की स्पेलिंग जो है ना वो यूनिक है। गुरु ने खुद अपनी लाइफ में बहुत लोगों के नाम चेंज करे, और मैं तो पूरा अरविंद सूद सर को दिल से थैंक्स बोलता हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी विद्या का ज्ञान दिया है, आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, दिल से इसको फॉलो करो और आप देखोगे। अरविंद सूद सर की भी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, पता नहीं क्यों मुझे ना एक मतलब खालीपन लगा, ऐसा लगता था कि कंप्लीट नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं आपकी वीडियोस देखने के बाद ना वो अर्ज पैदा होती थी अंदर कि भाई कुछ एक्स्ट्रा है जो मैं इधर से ले सकती हूँ। ये रीजन रहा कि मैंने और कहीं ना जाकर आपको ही ज्वाइन किया। और जिस दिन हाँ, जब आप सीखोगे तो 777 या तो अपने पेट में बात पचा लेगा या पेट में बात नहीं पचा पाएगा, दो ही चीजें हैं उसमें। अच्छा, मैं वो 777 वाला हूँ जो पेट में बात नहीं पचा सकता। पचा सकते, मुझे मालूम है सर, आपकी इतनी सारी आदतें वो तो देख देख कर ही पता चल रहा है कि भाई एक के साथ एक गिफ्ट फ्री, चलो दो के साथ और भी दो ले लो, ले लो ले लो, क्या रखा है, एक दिन मैंने भी चले जाना। ये यूनिक है, हर एक के काम आनी चाहिए। बिल्कुल, यही तो आपकी यूनिकनेस है सर, लोग अपने पास अंदर संभाल के रखते हैं और आप कहते हो ले लो। किस लिए, ये विद्या सबसे बड़ी है, आने वाले युगों युगों तक चलनी चाहिए, हर एक का भला होना चाहिए। बिल्कुल सर, यही तो बात है जो हम लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर देती है। आपका वो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी इसीलिए तो बनती है क्योंकि आप जो है ना ले लो करते हो, लोग अपने अंदर बचा के रखते हैं कि नहीं हम ये ना बताएं और कि कुछ ना कुछ छुपा लें, और आप सब कुछ बता देते हैं, यही एक चीज है जो अट्रैक्ट करती है। गारंटी दे रहा हूँ 200% में देने वाला हूँ, 100% जो अरविंद सूद सर से सीख के आया हूँ, 100% अपने 11 साल के एक्सपीरियंस का। बिल्कुल, तो ये 200% की तैयारी आप कर लो। सर आप ये सोचिए कि हमने, मेरे को अभी 24th of January से मैंने आपका फर्स्ट कोर्स स्टार्ट किया था, तो मींस तकरीबन 1.25 महीना हुआ है, उतने में मुझे इतनी नॉलेज मिल गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये 23 दिन के बाद तो और जबरदस्त हो जाएगी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉलेज के बाद, जो इतनी सी नॉलेज के बाद इतना कॉन्फिडेंस आया, तो जब पूरी नॉलेज मिलेगी तो मजा ही आ जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, एनलाइटेंड हो जाओगे आप। बिल्कुल 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 सर, सर ऐसे ऐसे कोर्सेज आप लॉन्च करते हैं, माय गॉड, वो देखा ना एंजल इवोकनिंग वाला, ओ माय गॉड। एक तो संदीप सर, वो जय सुमित सर की तो एक अलग ही बात ही अलग है, लेकिन स्टिल उनकी तो मतलब क्लासेस भी मजा आ जाता है। बिल्कुल, कहीं तभी तो उसे पकड़ के लेके आया था। बिल्कुल सर, सब बहुत ही अच्छा, आपके पास तो ऐसा लगता है सिर्फ पिटारे के अंदर बहुत कुछ है, हर बार एक नई चीज निकल के आती है। बिल्कुल, चलिए रूही मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। करण जी, जय गुरु जी। जय श्री राम, जय गुरु जी सर। जय श्री राम डियर, हर हर महादेव, जय गुरु जी। सर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कोर्स क्यों ज्वाइन किया, बेसिकली आपके लास्ट बैच में मेरी फ्रेंड थी जोसन नाम की लड़की, ओके जी, वो और उसके हस्बैंड, हम दोनों मतलब हम तीनों बचपन के फ्रेंड है, ओके जी जी, तो मतलब वो कोर्स सीखने के बाद प्रैक्टिस कर रही थी, तो डेट ऑफ बर्थ तो उनको मेरी पता ही है डेट ऑफ बर्थ, तो पहले उन्होंने अपनी पे प्रैक्टिस की, फिर अपने हस्बैंड की पे प्रैक्टिस की, फिर अपनी डॉटर पे प्रैक्टिस की, फिर वो मेरी डेट ऑफ बर्थ पे प्रैक्टिस कर रही थी जी। अच्छा, तो रात को 11 बजे मेरी नाइट शिफ्ट होती है, उनका कॉल आया जी कि आर यू फ्री, मैंने कहा यस फ्री हूँ, अभी बताइए, डिनर कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है 10 मिनट बाद मैं कॉल बैक करता हूँ, तब तक डिनर कर लो, मैंने कहा ठीक है। ऑल ऑफ सडन कॉल आया, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कोर्स किया है, मतलब दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों वीडियो कॉल पे थे, मैं भी वीडियो कॉल पे था साथ में, तो उन्होंने मुझे पूरी हिस्ट्री बताई कि जी तेरे डेट ऑफ बर्थ में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तेरा 7 नंबर है, तो तू मतलब जो उन्होंने मतलब सीखा है,
जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1989 जी। तो कह रहे तो कि जो चीज हमने सीखी है तेरे में 2 साथ आ रहे हैं, तो तू अगर ऑकल्ट साइंस में जाएगा इस चीज को प्रमोट भी करेगा फ्यूचर में, इस चीज को तू मतलब अपना मतलब प्रोफेशन भी बना सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपका मतलब उन्होंने मुझे आपकी एक वो लिंक वीडियो शेयर करी जिसमें मेरा मतलब मेरा ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 6 है। तो मैंने वीडियो देखी जी। उन्होंने मुझे बोला कि चलो आप एक काम करो फिलहाल अभी, मतलब उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया कि मैं एक कोर्स सीखूं जी डियर। उन्होंने मुझे बोला कि आपकी मैं वीडियोस देखूं, मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करूं मैं आप। हां ठीक बात है जी। तो मैंने आपकी मतलब वीडियोस देखी तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब एक होता है कि इंट्यूशन आने लगी, हाँ भाई ये चीज मेरे लिए है। मतलब अगर मैं देखूं बचपन से मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स ही है। ओके मुझे नंबरों से प्यार है। वेरी गुड। जो मैं जॉब करता हूँ उसमें भी नंबर्स ही हैं जी। मतलब जी मैं लॉजिस्टिक में काम करता हूँ, मैंने जर्मन लैंग्वेज कर रखी है। ठीक है। तो कितना माल आया, कितना माल बिका, कितनी इन्वेंटरी है, कौन सा आइटम कितना खत्म हो गया, तो उन सब में भी नंबर्स हैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी नंबर्स में ही आता है, मतलब मैथमेटिक्स जी। तो फिर आपकी वीडियोस देखनी शुरू करी, मतलब साथ में मतलब अपना ऑफिस का काम भी करता था, लैपटॉप नीचे, सामने टीवी लगा हुआ है, सामने टीवी में आपकी वीडियो चलती थी। ठीक है। अपना काम भी चल रहा है, वीडियो मतलब वर्क फ्रॉम होम है तो डेफिनेटली दोनों चीज पॉसिबल थी साथ साथ। जी पॉसिबल थी बिल्कुल। जी जी ऑफिस होता तो पॉसिबल नहीं होती क्योंकि ऑफिस में तो यूट्यूब तो अलाउड ही नहीं है। अभी मतलब मैं लैपटॉप ऑफिस का यूज कर रहा हूँ इससे मेरा मतलब वीडियो ऑन नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ सेटिंग ऐसी कर रखी कि हम लोग कैमरा यूज ना कर पाए। ओके ओके जी, अदरवाइज मैं कैमरा ऑन कर लेता। ठीक है डियर। तो बस यही चीज थी जो मतलब मुझे यहाँ पे खींच के लाई। आपको इश्क हुआ इस विद्या से, पहली बात तो ये समझो। जी जी जी। चाहे कैमरा ऑन है या नहीं है पर आपने उस विद्या से इश्क करा और इस वजह से आप यहाँ तक पहुंच पाए। हाँ जी हाँ जी। और वैसे भी मैथमेटिक्स प्यारा है, मैथमेटिक्स से प्यारा है शुरू से, तो डेफिनेटली इसमें मैथमेटिक्स एक तरीके से नंबर खेल, मतलब आपका तो वही मतलब नाम ही वही है अंकों का खेल। मुझे तो अंकों से प्यार है जी बचपन से ही। जी हाँ। जी जी। तो बस अब आपसे सीखेंगे तो हम भी अंकों से खेल करेंगे। बिल्कुल डियर। जी जी जी। कहीं पे जब हम पैदा होते हैं तो अंक हमारे से जुड़ जाते हैं चाहे हम माने या ना माने जी। और आप देखोगे कि 3 नंबर आपके लिए या 4 नंबर आपके लिए कहीं ना कहीं पे ऑटोमेटिक प्रकट हो जाता होगा। हाँ जी हाँ जी। दो तीन दोस्त है जिनकी मतलब डेट ऑफ बर्थ मतलब या तो टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 है या डेट ऑफ बर्थ ही 3 पे आ रही है 21 तारीख। जी है क्या कि यही मैं सिखाता हूँ कि ऑपोजिट नंबर अट्रैक्ट ईच अदर। आपका दुश्मन है बट आपको 3 ही अट्रैक्ट करेगा जी। यहीं पे कहीं ना कहीं पे हमें सावधानी बरतनी है। हालांकि हम कभी दोस्ती डेट ऑफ बर्थ देख के नहीं करते। हाँ जी। अगर हमें कोई मेन बिजनेस करना है, कोई मेन काम करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कोई लंबे टाइम के लिए काम के साथ जुड़ना है तो उस समय डेट ऑफ बर्थ का बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। या जैसे आज मैंने डेट चूज करी 1 मार्च 2022 तो आज कहीं ना कहीं पे वो मेरे लिए आशीर्वाद था तभी मैंने उस डेट को चूज किया। वो तो अलग बात हुई कि साथ में शिवरात्रि भी आ गई तो वो शिव भगवान का डबल आशीर्वाद मिल गया। हाँ जी ये फर्क है सारा सारा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका करण भाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप इस विद्या से जुड़े, आपके लिए कहीं ना कहीं पे ये ढेरों ब्लेसिंग्स लेके आने वाली है। हाँ जी आपका आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज आप क्लास दे रहे हो एक दिन हम भी क्लास देंगे हमारे भी शिष्य होंगे। कंफर्म डियर कंफर्म। पहले कंसल्टेशन करो जी जी जी। आपने आपका एक बहुत बड़ा बेस बनाओ। आज की डेट में मेरे पास 30,000 से ऊपर क्लाइंट है। मैं 30,000 क्लाइंट से मिला नहीं हूँ बट जी जी। एक गुरु जी ऐप, एस्ट्रोटेक ऐप, जब मैं इनके ऊपर काम किया तो वहां मुझे 18,000 से 20,000 कस्टमर से 1-to-1 करने का मौका मिला जी। बाकी तो क्या है कि आज की डेट में जूम की वजह से वर्ल्ड बहुत स्मॉल हो गया है। हाँ जी। अभी हम क्लास ले रहे हैं
ऐसे ही कंसल्टेशन चाहे कनाडा हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जो कभी हम सोच नहीं सकते थे वो पॉसिबल हो गया है। हाँ जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको काम के साथ जुड़ना पड़ेगा। जी जी, जुड़ गए जी, जिस दिन से आपकी वीडियो देखी, जिस दिन से उनका कॉल आया, तो समझ लीजिए हम जुड़ गए इस चीज से। चाय बिला दे, सब दर्द होगा, चाय बिला। तो थोड़ा आपको अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम है संदीप बजाज, चूंकि मेरे लगता है सब बच्चों का इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका है, और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। माई डेट ऑफ बर्थ इज 17th November 1971, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ आपको इस पूरे कोर्स में बहुत 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 बारी सुनने वाली है, क्योंकि मैं जब भी सिखाता समझाता हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ से समझाता हूँ, क्योंकि इस डेट ऑफ बर्थ में कुछ यूनिकनेस है और कुछ बहुत बड़े माइनस पॉइंट भी है। सो लाइफ में मैंने कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, मेरे को पढ़ने में बिल्कुल भी शौक नहीं था, खेलने में वही एवरेज कि क्रिकेट का बैट उठाया और चल दिए, पर कर कुछ नहीं पाए लाइफ में, क्योंकि लाइफ में भगवान ने कोई नंबर दिए ही नहीं थे। हर 2 साल में या 1.5 साल में मैं जॉब को छोड़ देता था या जॉब मुझे छोड़ देती थी। जब कुछ समझ में नहीं आया, पिताजी से पैसे लिए तो अपना बिजनेस शुरू किया, न्यूट्रेन कंपनी है उसकी एजेंसी ली, मैफेट कंपनी है उसकी एजेंसी ली, और एक ऑनजोस आता है उसकी एजेंसी ली, पी सीरीज वालों का गंगा मिनरल वाटर आता है उसकी एजेंसी ली, मतलब बहुत सारे काम करके देखे, पर वही प्रॉब्लम हर साल 1.5 साल में या तो वो मुझे काम छोड़ देता था या मैं जॉब को या काम को बाय बाय कर देता था। तो सिंस 1991 में मैंने पहली बारी जॉब की थी ₹500 की, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास मायापुरी में, कंपनी का नाम था कूलवेल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, जो कि संजय कपूर जी की कंपनी है, जो मारुति के लिए स्टीयरिंग व्हील बनाते थे, जो करिश्मा कपूर जी के हस्बैंड भी है। कहीं ना कहीं पे लाइफ में समझ में आया कि यार बहुत भागदौड़ कर ली, फ्रॉम 91 to 96 जब मेरी शादी हुई तो तब भी मैं कहीं ना कहीं पे स्टेबल नहीं था, स्टैंड अप नहीं था। माय फादर रिटायर्ड एज अ असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, माय मदर इन लॉ वाज सेल्स टैक्स कमिश्नर, तो भगवान ने आशीर्वाद तो बहुत सारा दिया पर स्टेबिलिटी नहीं थी लाइफ में। जो भी लाइफ में मिला, जिसने कहा भाई साहब वो पंडित बहुत जबरदस्त है, मैं गया और उसने मेरी कहीं ना कहीं पे डिग्री चेंज कर दी, मेरी लाइफ में स्टोरी चेंज कर दी। हम अपना बैग उठा के, स्कूटर उठा के, गाड़ी उठा के निकल लेते थे कि चलो जी शायद हमारा भी भाग्य चेंज हो जाए, पर नहीं हुआ। 2011 में किसी की डेथ हुई थी, मैं अमृतसर गया तो टीवी देखते देखते सुबह सुबह मुझे प्रोग्राम दिखाई दिया अरविंद सूद जी का, मैं आज भी तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूं। उस प्रोग्राम ने मेरी शायद उस दिन से लाइफ चेंज कर दी। उस प्रोग्राम को मैंने पूरा आधा घंटा देखा और अगले दिन मैं दिल्ली में आके अपने केबल वाले से बात करी, उसने कहा ये चैनल मेरे पास नहीं आता, मैंने केबल वाला चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे वो P7 न्यूज चैनल देखना था। मैंने अरविंद सूद सर के यहाँ फोन किया, वो कहते हैं हमारे कोर्स की फीस है ₹30,000, और शायद मैं उस समय जॉब छोड़ चुका था, मेरे पास 30,000 नहीं थे। 2-4 रिश्तेदारों से पैसे मांगा, किसी ने पैसे नहीं दिए कि भैया वी आर सॉरी। फिर कोशिश करी, क्रेडिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कराया 4% पे, वो पैसा लेके आई थिंक सो दिसंबर या जनवरी की बात है, तो मैंने पैसे जमा करवाए, क्योंकि इकट्ठे पैसे जमा करवाओ तो दोनों कोर्स वास्तु और न्यूमरोलॉजी में एक ही फीस थी, वरना वो फीस और महंगी हो जाती, फिर वो 35,000 रुपये तक हो जाती थी। तो करके मैंने वो जमा कराया और अरविंद सूद सर के यहाँ जाके कोर्स करना स्टार्ट करा। सैटरडे संडे क्लास होती थी और 6 महीने कोर्स ये चला था। मई 2012 में जाके ये पूरा कोर्स खत्म हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा बाय बाय, अगर रिपीट कोर्स करना है तो दोबारा से 30,000 रुपये दो, और अगर नहीं तो फिर भाई दुनिया पूरी ओपन है, लग जाओ काम पे। कुछ समझ में उस समय नहीं आया, यार सीख तो लिया पर अब करेंगे क्या, चूंकि 8 नंबर वाला हूं, मेहनत पूरी करनी आती थी,
आठ वालों के बाद पे हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक आदमी में तीन आदमी होते हैं, एक आदमी तीन आदमियों के बराबर का मेहनत कर सकता है। डेढ़ साल दो साल कहीं जॉब मिली, किसी ने रिकमेंडेशन किया तो वो रियल एस्टेट में जॉब थी, किया पर मन नहीं लगा। उसके बाद आंखें बंद करके सब काम को छोड़ के सीधा इस काम में घुस गया फ्रॉम 2013। किसी ने 100 रुपए दिए उससे 100 रुपए लिए, किसी ने 500 रुपए दिए उससे 500 रुपए लिए। मेरी फीस मैंने कहना स्टार्ट कर दिया था 1500 रुपए है, आज की डेट में मेरी फीस 10,500 है और लोग खुश होके देते हैं। उस समय कोई 1500 भी नहीं देता था, क्योंकि गलती उस समय मेरी थी कि मुझे किसी को पता नहीं था हुई संदीप बजाज। जब तक आप अपने आप को ब्रांड नहीं बना लेते हो नोबडी नोज। और हमारे काम में एक ही चीज है जो मंत्र आपको दे रहा हूं कि अपनी कमाई का 25% अपनी कमाई का 25% हमेशा मार्केटिंग पे खर्च करना। आज सागर ये कोर्स कर रहा है, 24 साल एज है, आप देखना आज से 11 साल बाद आप सागर को पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि उन 11 सालों में अगर उसने ठीक ढंग से मार्केटिंग कर दी तो ये बच्चा नॉट लेस देन 50 करोड़ से ऊपर का हो जाएगा। इतना पैसा है इस काम में, क्योंकि अभी गिनती के जो है मुश्किल से समझो 1 करोड़ लोग भी इस विद्या से जुड़ नहीं पाए हैं। आप भी जब जाके बात करोगे, लोगों को समझाओगे, 70% लोग कहेंगे भाई साहब हम इस विद्या पर विश्वास नहीं करते, हमें तो एस्ट्रोलॉजी समझ में आती है। क्यों? क्योंकि उनको वो एस्ट्रोलॉजर 100 रुपए लेता है और 1.25 लाख की पूजा करवाता है। हम नहीं कहते कि भाई हम किसी पूजा के ऊपर जाते हैं, हम तो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। आप मेहनत करके उसको समझाओ कि आपकी नाम के भी, देखो ना मैं क्यों, मैंने एग्जाम्पल लिया था अभिषेक बच्चन का, क्या उसके पापा ने कितने पंडितों से पूजा करवाई होगी, पर एंड में क्या आया काम, अभिषेक ए बच्चन करना पड़ा ना, ऐसी मुझे भी करना पड़ा। जब मेरे पेरेंट्स ने इतने प्यार से मेरा नाम रखा तो वो वश था, बट उनको तो नहीं पता था कि भैया इनका बेटा जो है वो 8 और 1 वाला है, इसके नेम के स्पेलिंग जो आ रहे हैं एक वस्ट वाइब्रेशन पे आ रहे हैं, बेड़ा गर्क कर दिया मेरा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हर 2 साल में या तो मैं जॉब को छोड़ दिया करता था या जॉब मुझे छोड़ दिया करती थी। बट फॉर द लास्ट 8 ईयर्स जब से मैंने अपना नेम का स्पेलिंग लिखना स्टार्ट किया, जो कि अरविंद सूद सर ने सिखाया, और वो जो रेमेडीज उन्होंने बताई मैंने वो करनी स्टार्ट करी। थैंक्स टू गुरु जी, कल से जो आपकी जर्नी शुरू होने वाली है आपको समझ में आएगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कितनी 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 तकलीफें लिखी हुई हैं और कैसे इसी विद्या के द्वारा मैंने सारे के सारे सॉल्यूशंस लेने स्टार्ट करे। कोई मिरेकल नहीं है। अगर मैं कहूं कि हाँ भाई मेरे दादाजी ने मेरे लिए लॉटरी छोड़ दी, मेरे पापा ने मेले कर दिया, कुछ नहीं। और 81 वाले को तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, उनकी उनके फादर से, इधर से आ, उनकी उनके फादर से नहीं बनती है, ये ध्यान रखना। जो भी 8 वाले होंगे आप देखना, उनसे पूछना, उनके फादर और उनके बीच में हमेशा मतभाव रहेगा, मतभेद नहीं है। हर बात पे वो आर्गुमेंटेटिव होंगे, ज्यादातर आप देखोगे 2-4-8 वालों के साथ रहेगा, पर 8 वालों के साथ ज्यादा रहेगा। सो भगवान ने गिलास पूरा भर के दिया पर इजाजत नहीं दी कि तू इसको उठा के पी के दिखा। थैंक्स टू अरविंद सूद सर, थैंक्स टू गुरु जी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, मैंने इस पे दिल खोल के मेहनत करी, 12-12, 16-16 घंटे मेहनत करी। अगर किसी ने कहा एक ब्रासलेट मंगाना है, 20 किलोमीटर जाना है, सिर्फ मुझे 300 रुपए की मेरे घर पे कॉस्ट थी, 100 रुपए पेट्रोल के लगने थे और 100 रुपए बचने थे, मैंने वो भी करा, क्योंकि मुझे था कि आज इस क्लाइंट को बेनिफिट मिलेगा तो ये क्लाइंट कहेगी ना कहीं पे कल मुझसे सारी जिंदगी जुड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात ये है, MBA भी यही सिखाती है, क्लाइंट को अपना बना के रखो, और छोटी सी चीज है।
मेरे क्लाइंट आज भी जो मुझे 10,500 रुपए पे करते हैं, मैं उन्हें कहता हूं दिस रिपोर्ट इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स। रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास, तभी मुझसे बात करोगे आप। मैं रिपोर्ट उनको मेल कर देता हूं, वो कहते संदीप भाई नई गाड़ी खरीदनी है, इस पेज नंबर को उठाओ, उसको ये बताओ मैंने क्या लिखा है, इस रंग की गाड़ी आप खरीद ली, कोई दोबारा चार्जेस नहीं है। हम क्यों किसी को, किसी का मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। आप लोग भी अब जो मुझसे जुड़े हो ना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, जो मैंने कहा ना मुझे कर दिया गया बाय बाय जाओ, कोई ग्रुप नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि जितने मेरे क्लास के स्टूडेंट थे वो सब मेरे लिए मेरे एनिमीज थे, प्रतिद्वंदी तो थे ही कि हाँ भाई आपसे हम भी करके दिखाएंगे, हम भी न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगे, सारे के सारे ही एनिमी। So, आज जो मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूं, मैंने उसी दुखों को जो देखा मैं उसी को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक्स टू राहुल भाई, थैंक्स टू पद्मा मैम, थैंक्स टू गुरुजी, जो इतना अच्छा उन्होंने हमें सपोर्ट दिया। आज की डेट में 8,000 स्टूडेंट का डेटा तो राहुल भाई के पास है जो मुझसे पढ़ चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जब आपको इसी चीज की सपोर्ट पड़ेगी, चाहे वीडियो की सपोर्ट पड़ेगी या ग्रुप में कोई क्वेरी आएगी, तो यही परिवार आपके काम आने वाला है। सो लाइफ में क्या है, उतार चढ़ाव हर एक के होंगे, चाहे अमिताभ बच्चन है, चाहे नरेंद्र मोदी है, चाहे शाहरुख खान है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो। ये कभी मत डरना कि भाई साहब लाइफ में, देखो ना भगवान राम की स्टोरी को देखो, रात को तैयारी थी कि सुबह राज्याभिषेक होगा और अगले दिन वनवास चले गए। सो लाइफ में ये कभी मत समझना कि दुख है नहीं, दुख बहुत है, खुशियां नहीं है, खुशियां भी बहुत है, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। आप देखो आप लाइफ से क्या चाहते हो। शाहरुख खान भी जाके प्लेटफॉर्म पे सोया है, अमिताभ बच्चन भी घर के किराए के घर पे रहा है, धर्मेंद्र भी किसी के गैराज में रहा है, बट स्काई इज द लिमिट। कहते हैं ना मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, तो यही चीज है इस कोर्स में। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यूनिक है, वो आपको ढेरों आशीर्वाद देने वाली है, पर हमें मालूम नहीं है कि आशीर्वाद लेना कहां से है। बहुत लोग आप देखोगे आपको 8 वाले मिलेंगे और उनकी फ्रेंडशिप जो होगी 1 वाले से होगी, 2 वाले से होगी, वो कहने में नंबर है। बहुत बारी आप देखोगे 6 वाले हैं, उनके फ्रेंड्स 3 वाले होंगे, 9 वाले होंगे, वो उनके एनिमी नंबर, उन्हें पता ही नहीं है। इवन अगर मैं आपको भी कहूं, आप आज की डेट लिखो 1st मार्च 2022, लिखो सारे के सारे, आज की डेट है 1st मार्च 2022। अभी तो कोर्स नहीं स्टार्ट हुआ ना, तो अभी आप भी 0 हो, तो आप मुझे बताओ आज के लक्की नंबर क्या है। 1st मार्च 2022। अपने हैंड रेस कर दो, जिस जिसने करना है अपने हैंड रेस करो। जी सोनाली मैम बताइए। सर 1 नंबर, 3 नंबर, 1, 2, 3, 4, 6, कोई नहीं, ट्राई तो किया, ठीक है। जी सागर भाई। सर लकी नंबर होगा सबसे पहले तो 3 जी, के बाद होगा नंबर 1, ठीक है जी, उसके बाद होगा 6, 6 हो गया आपका शुक्र का नंबर। ओके ओके ओके, तो 3, 1, 6 होगा। ग्रेट ग्रेट डियर, थैंक यू। जी बजरंगी भाई। फोर और सिक्स कह रहे हो आप, ठीक है। देखो मजे की बात, देखो सबका आंसर लगभग ठीक है, पर सबका आंसर कहीं ना कहीं पे गलत है। सबसे स्पोर्टिव नंबर, सबसे लकीएस्ट नंबर होगा 5। जी नरेंद्र कौर मैम। जी शोभा जी। सर 9 भी होगा क्या? यस मैम 9 भी होगा, बट वो लकीएस्ट नंबर में नहीं आएगा,
वो कैटेगरी बी में आएगा। यही मैं कह रहा हूं कि देखो हमें कुछ बताया ही नहीं गया, हमें कुछ सिखाया ही नहीं गया, और इसी वजह से हम कहीं ना कहीं पे अंधविश्वास की तरफ निकल लेते हैं या ऐसे बनाए हुए नंबरों के साथ जुड़ जाते हैं और फिर हम बाद में रोते हैं। जी नरेंद्र मैम। सर मेरा 5 ईयर चल रहा है। अरे वाह बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत बधाई हो, तभी आप देखो कोर्स सीखने आ गए हो कनाडा से। हाँ जी हाँ जी, मई में फिर सर वापस जा रही हूँ। अब जब कल वापस जा रहे हो? नहीं मई में जाऊंगी सर वापस। कोई नहीं मैडम, अप्रैल में जरूर मुलाकात करेंगे आपसे। मार्च में करेंगे। मार्च में सर, अगले में नेक्स्ट वीक। मार्च में मिल लेंगे मैडम, नेक्स्ट वीक में ही मिल लेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर, पता ही नहीं चला 2 घंटे कब बतीत हो गए। बिल्कुल मैम, मैं यही कह रहा हूँ कि देखो अभी तक तो हमने शुरुआत ही नहीं की है, कल से जो शुरुआत करेंगे ना, क्योंकि थोड़ा पहले जुड़ाव दिखाना बहुत जरूरी है कि ये हमारी पढ़ाई तो कर ही लेंगे, पढ़ाई में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मालूम तो हो कि कौन हमारे भाई बहन है, कौन हमारा बच्चा है, कहाँ से कैसे हमें एक साथ जुड़ना है। बिल्कुल सर, 3-8 वाली हूँ सर मैं भी। अरे वाह बहुत स्ट्रगल बहुत देखा है जिंदगी में। बिल्कुल मैम, तो देखो यही मैं समझा रहा हूँ, बहुत कुछ। जी जी मैम बताइए बताइए। बिल्कुल सर, बहुत कुछ देखा है जिंदगी में। 35 की एज में थी जब मैं, इनके पापा की डेथ हो गई थी। सो सॉरी मैम, सो सॉरी। तो उस टाइम तो सर पता नहीं था ना छत्ती के आंकड़ा क्या होता है क्या नहीं, ये तो अब वीडियो देख देख के पता चला भी छत्ती के आंकड़े का क्या मतलब होता है। जी मैम। तो उस टाइम 99 में इनकी डेथ हुई थी, तो उस टाइम ना छत्ती का आंकड़ा चला था इनके डेट ऑफ बर्थ में। अच्छा अच्छा। हुई भी डेथ अक्टूबर 8 को हुई थी सर। ओहो सो सॉरी। हाँ तो ये 8-1 तो बोलते हैं ना भी ठीक नहीं होता। जी जी जी। तो उस टाइम 8-1 ही था डेट ऑफ बर्थ, तो 36 का आंकड़ा इनके नाम का बनता था। बिल्कुल मैम। तो 99 थी, तो बोलते हैं ना जब 999 आता है तो तब भी डेंजरस होता है, कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है इसमें। जी जी। तो उसमें ये वाला। जी मैम, जी मैम अनम्यूट करें। पीछे अकाउंट किया जब, तो फिर पता चला भी बाकी है न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल मैम, जैसे जैसे जुड़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा ये कितनी बड़ी विद्या है और कितनी हम इस विद्या से वंचित थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, नो डाउट, नो डाउट, बहुत ज्यादा। ठीक है सर, जय गुरु जी सर। जी मैम। So, purpose यही है, ऐसा है जिन्होंने 6 का उनका भी आंसर ठीक है, जैसे मैडम ने 9 बोला उनका भी आंसर ठीक है, बट सबसे लकीएस्ट नंबर जो है वो रहेगा पहले 5। देखो ग्रिड में 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, देखा आपने ध्यान से, जब आपकी ग्रिड कल से बनाना मैं सिखाऊंगा तो इस डेट ऑफ बर्थ में से समझो, भी ग्रिड को छोड़ दो, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है 1 मार्च, तो मार्च में 3 भी आ गया, कुछ लोगों ने 3 भी बोला और 1 भी बोला, तो डबल वारी 1 भी आ रहा है, ड्राइवर भी 1 आ रहा है, कंडक्टर भी 1 आ रहा है। जिनको नहीं पता वो घबराए नहीं, कल से सिखाएंगे, कोई जल्दी वाली बात नहीं। पर देखो सबसे बड़ी बात यही है कि कैसे हम इस छोटी सी चीज को जानते ही नहीं है, सोचो पूरा वर्ल्ड अभी पड़ा हुआ है जिसको सिखाना बाकी है। तो कल से हम बिल्कुल बैठ के। जी शुभ मैम बताइए। जी सर मैं बोल चुकी। ओके ओके, नैन का ही। हाँ नैन के लिए। थैंक यू मैम। सो पर्पस यही है कि कैसे अब हम कल से इस विद्या के साथ जुड़ेंगे, इसी टाइम पे 3 बजे हम लॉगिन करेंगे और बाय चांस मान लो कोई मेरी मीटिंग चल रही है और आपने 2:55 पे लॉगिन कर दिया। अब हुआ क्या कि आपने तो लॉगिन कर दिया लेकिन जूम उस समय कह देगा इनकरेक्ट आईडी पासवर्ड। जी नरेंद्र मैम। So, वो उस समय कह देगा इनकोरेक्ट आईडी पासवर्ड, तो आपने क्या करना है, अपने जूम को डिलीट करना है और फिर रीइंस्टॉल करना है, अदरवाइज 3 बजे या 3:01 पे आप लॉग इन करोगे तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी।
कई बार हो सकता है जैसे मैं ट्रैफिक में फंस गया या कहीं मैं रह गया हूँ, किसी वजह से मैं लेट हो गया हूँ, तो आपको पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सर क्लास शायद 3:15 बजे लेंगे या 3:30 बजे लेंगे, बट कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं 3 बजे आ जाऊँ सब काम खत्म कर। कई बार ट्रैफिक का पता नहीं होता, कोई बरसात हो गई, रास्ते में रुक गया, कुछ और हो गया, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ 99% आई विल बी देयर, 1% गुरु जी की आशीर्वाद। So, सबसे पहले रजिस्टर ले लो, एक रेड पेन ले लो, एक ग्रीन पेन ले लो और एक ब्लू पेन ले लो, गुरुजी का नाम ले लो। कल से हम अपनी प्रॉपर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज की जो वीडियो है वो यूट्यूब पे जाएगी, कल से जो वीडियो है वो प्रॉपर आपको मिलेगी, वो वीडियो सिर्फ 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 आप ही वॉच कर सकते हो और कोई वॉच नहीं कर पाएगा। जी सोनाली मैम, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी मैम बताइए। सर एक बात कि आपके और मेरी बर्थडे सेम है 17/11। ओके मैम, आई एम हैप्पी। थैंक यू मैम। थैंक यू, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। 1976 की हूँ मैं, 8 and 6 है, बट बर्थडे अपनी सेम है। ग्रेट मैम, ग्रेट, थैंक्स अ लॉट। कहीं ना कहीं पे आपके पास लक फैक्टर मेरे से बहुत अच्छा मिला है, 66 है आपके पास और 3 वो छोड़ दो, उसकी टेंशन ना लो, हमें वो सिखाया गया ना, तो इसके लिए थोड़ा कोई बात नहीं। वो आगे बताऊंगा कि वो एक कहीं ना कहीं पे वहम के लिए वो करवा दिया गया है। Okay. वो भी ब्लेसिंग्स है और आपको और ब्लेसिंग्स बहुत सारी मिलने वाली है। थैंक यू सर, वही जानना है कि क्या ब्लेसिंग है, आज तक तो मिला नहीं है, मतलब भगवान की कृपा से सब है। 66 लेके बैठे हो, 11 लेके बैठे हो, 77 लेके बैठे हो, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है। 44 डबल है, 4 times 1 हां, बारी 1 है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वही सोचूं मेरा टाइम कब आएगा। आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम। So, चलिए दोस्तों, आज के लिए हमारा साथ इतना ही था। कल हम एग्जैक्टली 3 बजे मुलाकात करते हैं और कल से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अपनी चाय, अपनी कॉफी, अपना सूप बना के रखो और बिल्कुल रेडी हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, कल मुलाकात करते हैं। जय गुरुजी टू ऑल। जी सागर भाई, अनम्यूट करें डियर, अनम्यूट करें। जी सागर भाई, अनम्यूट करें। सर आज कुछ टिप्स दे दो शिवरात्रि के लिए जो हम कर सके। बस डियर, शिवरात्रि है, टेंपल जाओ, शंकर भगवान को थैंक्स बोलो और अगर उनपे हो सके तो कहीं ना कहीं पे बेलपत्र चढ़ाएं, और अगर आपको लगता है कोई आपके छुपे हुए दुश्मन है तो 1 लीटर सरसों का तेल जाके चढ़ा के आओ। छुपे हुए दुश्मन को हराने के लिए ये सबसे बड़ा उपाय है। ठीक है सर, ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय गुरु जी टू ऑल। कल मुलाकात करते हैं इसी टाइम 3 PM से लेके हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स टू ऑल, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।